और गुड मॉर्निंग, और आप लोगों को बधाई कि फिर जल्दी से आ गया ये बीपीएससी 66 बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया। तो अब आप लोग तैयारी में लग जाइए, और जो लोग प्री मेंस दिए हैं पहले वो भी दें, और जो नहीं दिए हैं उनके लिए भी विशेष रूप से हम फोकस करेंगे कि जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनको भी बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए कि कैसे तैयारी करनी है और कैसे आंसर लिखना है, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, और हमारा जो प्री के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, मेंस के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। बाकी इंटरव्यू तो बहुत बाद की चीज़ है और वो तो ओवरऑल चीज़ है, उसके लिए स्पेशल तैयारी नहीं कहिए, अटेंशन की ज़रूरत होती है। तो जैसे हम प्री की ही बात करें अभी, तो प्री में सब लोग जानते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। फैक्चुअल मतलब उसमें लिखा रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं कि भाई कौन क्या है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, इस हिसाब से आता है। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, चुनाव कब होगा, या फिर राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह कब होगा, ये छोटी छोटी बातें। उसके बाद अपना हर तरह की क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उसी हिसाब से थोड़ा सा मतलब लिख करके शुरू करते हैं। बीपीएससी प्री, इसकी तैयारी कैसे किया जाए, है ना। तो आप लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं उन्हें भी हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि प्री में बीपीएससी में सिर्फ एक ही पेपर होता है जीएस का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करेंट इवेंट्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, जो यूपीएससी में लिखा हुआ है ना, वो सारे आते हैं, सारे से क्वेश्चंस आएंगे उसमें। और उसके अलावा यदि कोई स्पेशल घटनाएं घटती हैं जो करंट इवेंट्स में, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो या कल्चरल हो या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो चार तरह की, जो बेसिकली तीन या चार तरह के जो हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं कि या तो स्ट्रेटजिक रिलेशन होगा, या हमारा पॉलिटिकल रिलेशन होगा, या कल्चरल रिलेशन होगा, है ना, या ट्रेड रिलेशन होगा, यही चार इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं। तो क्या करना चाहिए कि आप अपना जो हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, सबके लिए अलग अलग एक छोटी छोटी बुक बना के रखिए, नोटबुक, बुक नहीं, नोटबुक कॉपी, और उसको अपने टेबल पर हमेशा सामने रखिए। चाहे आप किताब पढ़ रहे हों, चाहे अखबार पढ़ रहे हों, टीवी तो देखना नहीं चाहिए, और रेडियो से आप सुबह शाम वाला न्यूज़ सुन लीजिए, और एक आध प्रोग्राम आता है 9:30 बजे जो डिस्कस करते हैं करंट इवेंट्स के इश्यूज, वो कर लीजिए। टीवी पर कोई आपको खास हेल्प नहीं मिलती है, लोकसभा टीवी या राज्यसभा टीवी आप कभी कभार देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है सबके लिए आप अलग अलग बना लीजिए, करंट इवेंट्स के लिए भी बना लीजिए एक कॉपी। उसमें आप एक लाइन में ही लिखिए कि ये हुआ था, जैसे हम छोटा सा एग्जाम्पल आप बता रहे हैं, हिंदू के फ्रंट पेज पर जो हेडलाइन आज छपी है, उन हेडलाइंस में से एक हेडलाइन ऐसी है जो क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है बीपीएससी में। क्या वो हेडलाइन है कि एक मोटर बाइक है हार्ले डेविशन, उसने अपना इंडिया का ट्रेड या इंडिया में बिजनेस बंद कर दिया है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी कंपनी, कौन सी मोटर बाइक कंपनी ने इंडिया में अपना बिजनेस स्टॉप कर दिया है, बंद कर दिया है, ठीक है। तो आप वो लिख लें कि इस तारीख को हिंदू में ये छपा था कि हार्ले डिविजन बाइक ने ये डिसाइड किया है, हार्ले डिविजन कंपनी ने ये डिसाइड किया है कि हम आगे से इंडिया में अपना ट्रेड या व्यापार बंद कर रहे हैं, यानी सर्विस भी नहीं देंगे और जो गाड़ियां हैं वो नहीं बेचेंगे। तो इस तरह से आप छोटे छोटे तैयार कर लीजिए। अब मैं बेसिकली आता हूँ, चलिए, जो मेरा एक्सक्लूसिव जो टॉपिक है पॉलिटी। तो पॉलिटी में हम, पॉलिटी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, थोड़ा सा हम यूपीएससी की तरफ ले जाना चाहेंगे। यूपीएससी में जो पॉलिटी है, इसमें देखिएगा ना, तो एक बहुत ही अच्छे से पॉलिटी का डिफिनीशन लिखा हुआ है। उस डिफिनीशन पर, या कह लीजिए उसके सिलेबस के हर वर्ड, जो हर टर्म है उसको आप अच्छे से समझे तो वो काफी आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, यूपीएससी का जो पॉलिटी का सिलेबस है उसका जो हेडिंग है वो क्या लिखा हुआ है,
गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड नहीं, मैं बोल ही नहीं रहा हूं, अभी आ रही है आवाज, आ रही है ना, देख लो भाई राजकुमार। तो यूपीएससी, हम बीपीएससी की बात कर रहे हैं यहां पर, लेकिन हम थोड़ा सा यूपीएससी का रेफरेंस लेना चाहते हैं कि यूपीएससी का जो पॉलिटी है उसमें, बोल देना राजकुमार को कि आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, देख लो। अच्छा, कुछ नहीं आ रही है, ठीक है, वेट कर लेता हूं। आ रही है अभी आवाज, आ रही है? उधर से लोग बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, देखो जरा। हाँ, वो कोई बोल रहा था कि आवाज नहीं आ रही उधर से, ये अभी तुम्हें सुनाई दे रही है मेरी आवाज? बोलो भाई उधर से कोई आवाज आ रही है? नहीं, ये इशू नहीं होगा। हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा, कमेंट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल सही है, 10:08 पर। हाँ, आ तो रही है आवाज, ठीक है ठीक है, यहाँ तो लोग लिख रहे हैं आ रही है। चलिए देख लो बाकी लोगों को जो नहीं आ रही है। तो बीपीएससी के बारे में हम बात कर रहे थे कि पॉलिटी में प्री में कैसे क्वेश्चंस आएंगे और मेंस में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके लिए मैंने रेफरेंस लिया कि हम लोग थोड़ा सा यूपीएससी का जो पॉलिटी का सिलेबस में जो हेडिंग लिखा हुआ है ना कि पॉलिटी में क्या है, बेसिकली पॉलिटी में लिखा हुआ है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये जो शब्द है ना, ये शब्द सबका अपना अपना एक बहुत ही वास्ट मीनिंग है, और उस एंगल में आपको पॉलिटी को एक तरह से कहा जाए डिवाइड करने के लिए हो गया कि आप इतने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लीजिए, 5 पार्ट में, है ना। गवर्नेंस में क्या आएगा? गवर्नेंस में आप समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कैसे काम करती है। गवर्नमेंट मतलब हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट वो कैसे काम करती है। तो वहां पर अब संविधान में उसके बारे में लिखा हुआ है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट किसे कहते हैं, और उसके हेड कौन होते हैं, वहां पर उसका जो काम है वो कैसे होता है, डे बाय डे का वर्क कैसे होता है, गवर्नमेंट का जो अधिकार है वो क्या क्या है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या अधिकार है और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का क्या अधिकार है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, और उसमें लिस्ट भी बना के दे दिया गया है कि भाई ये काम आप करेंगे, ये काम आप करेंगे, 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो जब आप तैयारी करें तो इस तरह से जब आप डिवाइड कर लेंगे ना कि गवर्नमेंट में गवर्नेंस क्या होता है, तो गवर्नेंस का सीधा सीधा मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, वो काम अपना कैसे कर रहे हैं। गवर्नमेंट का काम तीनों तरह का, 4 तरह का हो सकता है। एक तो काम होता है पॉलिसी मेकिंग, है ना, पॉलिसी मेकिंग और लॉ मेकिंग में अंतर है। देखिए, पॉलिटी में हर बात का अपना मतलब होगा, इसलिए ये जरूरी है कि आप, मतलब यदि थोड़ा बहुत जानते हैं किसी शब्द के बारे में तो ऐसा मत सोचिए कि चलो हम उसका वही मीनिंग है जो हम जान रहे हैं। बिल्कुल क्लियर कहीं से ढूंढने की कोशिश कीजिए या किसी से पूछने की कोशिश करिए कि क्या मतलब होता है ना। तो गवर्नेंस और ये पॉलिसी मेकिंग एंड लॉ मेकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो गवर्नमेंट का क्या काम है? पॉलिसी मेकिंग काम है, और पॉलिसी मेकिंग के, यदि पॉलिसी बनाने के लिए किसी लॉ की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल भाई हमें चाहिए कि, हम सबको चाहते हैं कि गारंटेड शिक्षा मिले, हर बच्चे को गारंटेड शिक्षा मिले,
तो हमने सोचा कि किस तरह के बच्चे को भाई उसमें सवाल उठा, सभी तरह के तो नहीं, 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको। तो उसके लिए हमने सोचा कि गारंटी देने के लिए किस तरह से गारंटी दी जाए। तो हमने एक बहुत ही फिलोसॉफिकल अप्रोच अपनाया कि पहले हम इसको कहें कि ये फंडामेंटल राइट है जो किसी कीमत पर कोई वायलेट नहीं कर सकता अंडर सर्टेन कंडीशंस। एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं होता, रिलेटिव ही होता है, लेकिन हमने कहा कि ये फंडामेंटल राइट होगा हमारा। पार्लियामेंट से हमने पास करवाया संविधान संशोधन विधेयक, उसको संविधान संशोधन करके आर्टिकल एक जोड़ दिया संविधान में 21A। अब वो वहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई 21A में क्यों जोड़ा गया। तो इस तरह से जो है ना, एक एक शब्द का अपना अपना मीनिंग है। हम अभी पॉलिटी पढ़ नहीं रहे हैं, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉलिटी कैसे पढ़ेंगे और क्या क्या ध्यान रखेंगे पढ़ते हुए, क्योंकि जब हमें ये नहीं पता चलता है ना कि हमको क्या ध्यान रखना है तो हम कुछ और ही समझ लेते हैं या कुछ और एंगल से पढ़ते हैं, है ना। जैसे बात करें, जब हम बच्चों से बात करते हैं, जब हमने भी पढ़ाई की, तो सपोज हम किसी WTO एग्जाम्पल हम लेते हैं। WTO का हम जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसका फुल फॉर्म होता है। तो कभी कभी हमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि अच्छा हम भी तो बहुत कुछ जानते हैं WTO के बारे में, जबकि हम कुछ नहीं जानते, उसका नाम ही जानते हैं, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। तो अपने को उस हिसाब से तैयार करना है कि और क्या है, और क्या है, उसके बारे में क्वेश्चंस आप अपने से पूछिए। और यदि क्वेश्चंस लगे कि आंसर ढूंढना उसके लिए टफ है तो लिख लीजिए, और लिख करके फिर आप ढूंढिए टीचर से या बुक के माध्यम से आप पता लगाइए, ठीक है। तो पॉलिटी की आप तैयारी करेंगे तो गवर्नेंस में गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये एक अपने आप में बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि क्या ऑफिसर भी गवर्नेंस के पार्ट हैं, तो निश्चित रूप से हैं। तो ये सब सवाल आपके दिमाग में उठे तो उनको नोट करते जाइए, ठीक है। तो ये आपको एक हेल्प मिल गया, एक जो है आउटलुक ओवरव्यू या एक स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क दे दिया इस शब्द ने, पॉलिटी नाम के, ये गवर्नेंस नाम के शब्द ने आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ जाएंगे, सबको नोट करिए, नोट करिएगा ना, जब क्वेश्चन दिमाग में आएंगे तो उसका आंसर ढूंढने का आदमी प्रयास करेगा ही। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, नॉलेज मिलेगा, जिसके आधार पर हम क्वेश्चन का आंसर सही सही दे सकेंगे। जैसे हम एग्जांपल बात कर रहे हैं गवर्नेंस की, अभी हम इसी शब्द पर टिकते हैं, तो पिछले साल 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेज किए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ बड़ी जो है एक इम्पॉर्टेंट सवाल पैदा होगा कि क्या गवर्नमेंट को पावर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने का, ये तो पावर पार्लियामेंट को है, ठीक है। तो जैसे ये सवाल उठेगा वैसे ही आपके दिमाग में ये बात आएगी कि कहाँ मिलेगा। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़िए या फिर टीचर से पूछिए या फिर और जो सोर्सेज हैं, नोट्स हैं या जो भी हैं, वहां से आप पता लगाइए कि क्या मतलब होता है, ठीक है। तो गवर्नेंस के बारे में आपको यदि पता लगाना है तो क्या करना होगा कि गवर्नेंस के हर स्टेप, जैसे 5 अगस्त को कहा गया कि भाई आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के जो प्रोविजंस हैं उसमें से हम उनको खत्म कर रहे हैं। आर्टिकल 370 को पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि जब आप रफली पढ़ेंगे या सरसरी निगाह से पढ़ेंगे तो आप बोल देंगे कि ऐसा है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। आर्टिकल 370 को पूरी तरह से नहीं खत्म किया गया है, उसके कुछ क्लॉज को खत्म किया गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट काम कर रही है। तो यहां पर क्या क्वेश्चन आ गया, जैसे ही न्यूज आई कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 35A और 370 खत्म कर दिया, अब आपकी ड्यूटी हो गई कि 35A में क्या है, 370 में क्या है। और जब वो पढ़ें, यहां तक कि ये बात अखबार में भी बढ़िया से छपती है कि 35A में क्या क्या था और क्या क्या हटाया गया, कैसे लाया गया था, ये तक छप जाता है, ठीक है। तो उसको आप नोट करेंगे, ठीक है। गवर्नेंस क्या है, तो भाई 35A में क्या था, 370 में क्या था, तो पूछा जाएगा। एक सवाल ये भी होता है कि 370 आपने पढ़ लिया है कि 370 को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, लेकिन आ जाएगा ये जो क्वेश्चन होगा उसमें लिखा रहेगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने संविधान में संशोधन करते हुए, संविधान में परिवर्तन करते हुए इनमें से किस प्रावधान को संविधान से हटा दिया है। अब आ जाएगा उसमें से 370 का 1, 370 का 2, 370 का 3 और 370 का 1, 2, 3 तीनों। तो अब आप कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि आपको तो पता था कि 370 हटाया गया है,
है ना। तो इस तरह से इस प्रिसाइज वे में आपको स्टडी करनी है, अदरवाइज आपको तो कॉन्फिडेंस है कि हमको पता है कि 370 हटाया गया है और वहां पर क्या आ गया 371.23, तो गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरह से हम छोटा सा एक और एग्जांपल देते हैं कि वो क्वेश्चन एग्जैक्टली यूपीएससी में आ चुका है काफी पहले जब मैं देता था एग्जाम, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो प्रेस की आजादी है, आजकल बड़ी चर्चा हो रही है प्रेस की आजादी का, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा है, दो दो केस चल रहा है, दो या तीन कह लीजिए चल रहा है केस, तो प्रेस की आजादी का तो सवाल उठा कि प्रेस की आजादी संविधान में कहां लिखा है। ठीक है, तो इस पर अखबारों में काफी छपा, वाद विवाद हुआ, लोगों ने एक दूसरे को बताया समझाया, कोर्ट में भी मामला गया, तो हुआ कि आर्टिकल 19 में लिखा है। आर्टिकल 19 में क्या लिखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी है ना। तो हमने पढ़ लिया, हमें लगा कि हमें जानकारी हो गई कि प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में कहां लिखा है, अनुच्छेद 19 में। लेकिन जब यूपीएससी में क्वेश्चन आया तो क्या आ गया कि प्रेस की आजादी संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी हुई है। उसके बाद ऑप्शन ए बी सी डी था, 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d). तो हमें तो पता था कि हम जान रहे हैं, हमें तो लग रहा था कि हम जान रहे हैं कि क्या लिखा है, कहां लिखा है संविधान में, 19 में लिखा है, वो तो 19 के ही चारों ऑप्शन दे दिया। तो जब हम ऐसे पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे और थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो पास हो जाएंगे, बस इतना ही का अंतर है। जिस समय आपने 19 पढ़ा उस समय आपने क्या किया होता है, अखबार में छपता है तो ऐसा नहीं, कम से कम अंग्रेजी अखबार में आप देखें, जो भी लोग पढ़ रहे हों वो हिंदी अखबार जरूर पढ़ें, हिंदी मीडियम वाले, लेकिन एक अंग्रेजी अखबार जरूर लें, भले पढ़ें या ना पढ़ें। कभी कभार जो ये सब टेक्निकल टर्म आएगा ना, तो दोनों से मिला लीजिए, क्योंकि वैसे भी बिना इंग्लिश के काम चलना नहीं है आपका, तो थोड़ा बहुत के लिए ही सही, पूरा मत पढ़िए, लेकिन अखबार हिंदी वाला या अंग्रेजी वाला जरूर अपने पास रखिए। ठीक है, और ये चीजें वहां से देख लीजिए। तो इस बार ये बारीकियां मैं बता रहा हूं कि इस बारीकी से आपको नजर रखनी थी। ठीक है, आपको लगा कि हमें तो पता है और कॉन्फिडेंस भी है कि हमें पता है, और उस कॉन्फिडेंस में आदमी वहां जाकर के बिल्कुल जीरो हो जाएगा ना। अब 18, 19, 20, 21 रहे तो मार देते, टिक मार देते कि 19 होगा, लेकिन वहां पर 19 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 1 के बाद ABCDE कर दिया तो क्या होगा। तो इसलिए जब हम बारीकी से नजर रखेंगे तो ये गलतियां नहीं होंगी। और पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जहां पर क्या होता है कि आपको अखबार में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आते रहते हैं। ठीक है, एक और आते हैं हम छोटे से एग्जाम्पल पर। हम अभी गवर्नेंस गवर्नमेंट की ही बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने प्रस्ताव लाया था इसमें 2005 में कि भाई लड़के और लड़की को बराबर माना जाए पिता की संपत्ति में, अधिकार के संदर्भ में कि पिता की संपत्ति में बराबर का हक है भाई और बहन का। ठीक है, इसके लिए जो उत्तराधिकार कानून है 1955 का, उसमें संशोधन किया भारत सरकार ने या पार्लियामेंट ने 2005 में। ठीक है, उसमें जो शब्द लिखा हुआ है कि क्या संशोधन किया, तो उसमें लिखा हुआ है कि आज से, वो डेट है अगस्त या सितंबर का डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसमें लिखा हुआ है कि आज से भाई और बहन को पार्सनर्स होंगे। तो ये टेक्निकल वर्ड हो गया को पार्सनर। तो उत्तराधिकार कानून या सक्सेशन एक्ट जो है उसमें भाई और बहन के लिए क्या शब्द यूज किया गया, ये एक क्वेश्चन बन जाएगा। आपको पता है कि भाई बराबर का अधिकार होगा पिता की संपत्ति में, या जो पैतृक संपत्ति होती है, जो खानदानी संपत्ति है, जो भी उसका नाम आप बोलते हैं, उसमें बराबर का है, लेकिन आपने ये शब्द नहीं जाना तो हो सकता है कि आपका आंसर उसी तरह से मिस कर जाए जैसे आपने 19(1)(a)(b)(c)(d) जो लिखा हुआ था, 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c), 19(1)(d), और आपने 19 याद किया था, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ने की बारीकियां यही होनी चाहिए कि पढ़ते हुए हमें कॉन्फिडेंस उतना ही रहेगा कि हमने 19 पढ़ लिया। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब आप संविधान की या जो पॉलिटी वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह थोड़ा सा अपना नजरिया रखिएगा कि 2+2 के आगे +3 भी लिखा हुआ है तो 4 और 3 7 लिखना होगा आगे। यही नहीं कि 2+2 हमने देखा और उसके बाद इक्वल टू देखा था और उसके इक्वल टू से जस्ट पहले +3 भी था वो देखा नहीं,
तो सात की जगह हम चार लिख देंगे, और आपको लगा तो हमने तो देखा ही था। एग्जैक्टली यही बात हो गई यदि आपने अधूरा देखा है यहां 19 के बारे में या उत्तराधिकार कानून के बारे में, तो है ना। अब क्या हुआ कि 2020 में हम क्यों चर्चा कर रहे हैं जो 2005 में कानून पास हुआ। चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, उसी की व्याख्या करते हुए, 2005 के कानून की व्याख्या करते हुए, जिसमें लिखा था कि भाई और बहन को पार्सनल होंगे, भाई और बहन को बराबर का हक होगा पिता की संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में, पिता की पैतृक संपत्ति, सेल्फ एक्वायर्ड नहीं, जो कहता है ना कि अपने से आप उपार्जित की हुई संपत्ति है या उनको उनके पिताजी से मिली है उसमें, तो पैतृक संपत्ति मतलब उनको, आपके पिताजी को पिताजी से मिली है, तो उस संपत्ति में भाई और बहन दोनों का बराबर का हक होगा। तो उसमें अभी नया विवाद जो आ गया, या उसके बाद नया विवाद के बाद नया सोल्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि भाई ये फर्क नहीं पड़ता कि जिस डेट को ये कानून लागू हुआ था उस डेट को पिताजी जिंदा थे कि नहीं थे, उस डेट को संपत्ति थी तो बंटवारा बराबर होगा, है ना। तो इस तरह से आपको नजर रख के वो लिखना पड़ेगा। यदि आप नहीं लिखेंगे, कोई भी आदमी हो, मैं या आप, हम लोग कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे पास एक माइंड है जो बार बार जिसमें उसमें कुछ डाला जाएगा तो वो याद कर लेगा, वो मेमोराइज कर लेगा। और इस तरह से यदि हमने लिख लिया है तो जो पढ़ते हुए अभी हमको 10 मिनट 15 मिनट लगा था वो मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा जब हम परीक्षा देने जा रहे होंगे या जब दूसरी बार उसको देखेंगे, देखते ही याद आ जाएगा, क्योंकि पहली बार तो बढ़िया से पढ़ा था, फिर किसी ने बात किया होगा, आपने न्यूज़ में सुना होगा, टीवी तो बिल्कुल मत देखिए, टीवी देखिएगा तो टाइम जो है जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए रेडियो, रेडियो आप आजकल फोन में रेडियो है, और सुबह शाम ही रेडियो, दिन भर सुनने की भी जरूरत नहीं है, और म्यूजिक के लिए आप जब सुनना चाहें सुने, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए सुबह शाम सुन लीजिए, वही पर्याप्त है आपको, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपना टाइम 24 घंटे है उसी को यूज करना है सबको, और जो बढ़िया से यूज करेगा इस टाइम को वो सेलेक्ट होगा, जो नहीं करेगा वो नहीं सेलेक्ट हो पाएगा, बावजूद इसके कि वो भी योग्य है, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना है। अच्छा, ये गवर्नेंस में एक और चीज अभी हम बताना चाहेंगे अभी, कि मतलब हर एंगल को कैसे कवर करना है आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना चाहिए, और अखबार को पॉलिटी से जोड़ते रहिए, क्योंकि हम लोग जो भी समाज चलता है ना, कहते हैं ना कि कायदे से समाज चलता है, कायदा नहीं रहेगा तो समाज बिगड़ जाएगा, समाज बिगड़ जाएगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो कायदा क्या है भाई, कि भाई सड़क है तो आप भी चलिए, हमको भी चलने दीजिए, ये नहीं कि सड़क है तो सड़क पर तंबू लगा के बैठ गए कि हम यहीं पर पार्टी मनाएंगे, है ना। तो ये कायदा है कि सड़क सबके लिए सार्वजनिक है, ये कायदा है कि घर मेरा है तो मुझे रहने का अधिकार, ये नहीं कि कोई भी आएगा कि मुझे भी आज रहने दो या मैं भी आज रहूंगा, है ना। तो उसी तरह का एक कायदा है कि जब किसी एरिया में, किसी पर्टिकुलर जगह पर शांति भंग हो जाए, डिस्टर्बेंस हो जाए, लोग लड़ाई झगड़ा करने लगे, सरकारी संपत्ति जलाने लगे या आपस में ही लड़ने लगे, तो उस परिस्थिति में शांति व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी सरकार की है, प्रशासन की है। तो प्रशासन को एक पावर दिया गया है कानून में, संविधान में नहीं, कानून में पावर दिया गया है कि आपके फंडामेंटल राइट या आपकी आजादी को चाहे तो थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, इन्फ्रिंज कर सकता है, वो भी कर सकते हैं कि इन्फ्रिंज कर सकता है, मतलब उसको संक्षिप्त कर सकता है, कर्टेल कर सकता है, कम कर सकता है आपकी आजादी। आजादी में क्या, जैसे ये सब शांति भंग हो गई तो कहा जाएगा कि अभी तुरंत यहां से सब लोग चले जाइए, यहां पर जो सीआरपीसी की धारा 144 है उसके अंतर्गत निषेधाज्ञा यानी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो अब प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लागू हो गया तो क्या हो गया, आप ये सड़क सार्वजनिक है, आप इससे जा सकते थे लेकिन कहा जाएगा आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो इस तरह से आदेश दे दिया जाता है, पूरे देश में होता है। और एक होता क्या है उसमें, मैं ये बात अभी क्यों कर रहा हूं और उसको गवर्नेंस से कैसे मैं जोड़ना चाहता हूं, कि गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो काम कर रही है, तो उस आदेश में, जिस आदेश में ये लिखा होता है कि हम 144 का धारा यहां पर लगा रहे हैं सीआरपीसी का, उसमें लिखा होता है कि विधि व्यवस्था की समस्या को ध्यान में रखते हुए जनहित में अगले आदेश तक धारा 144 इस पूरे थाना क्षेत्र में या थाना क्षेत्र के ये एरिया या जो भी नाम लिख करके बकायदे लगाया जाता है। यहां पर देखिए शब्दों का कैसे चयन किया गया, विधि व्यवस्था की समस्या को ध्यान में रखते हुए, यहां पर यह नहीं लिखा गया कि हुआ क्या, ये दो लोग आपस में लड़े थे कि ये 2000 लोग आपस में लड़ गए थे, ये नहीं लिखा,
सिर्फ ये लिख दिया कि विधि व्यवस्था, भाई विधि व्यवस्था की बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की थी, तो प्रशासन वहाँ नहीं था, वहाँ लापरवाही किया या जो है प्रशासन को सूचना मिली थी कि कुछ लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो नहीं किया, ये कुछ भी नहीं लिखा। लिखा है कि विधि व्यवस्था की समस्या को ध्यान में रखते हुए जनहित में अगले आदेश तक, वो भी नहीं लिखा कि कब तक हम इसको आपको आपको रोक के रखेंगे, कब तक हम आपको इस रोड से जाने नहीं देंगे, कब तक हम आपको घर से निकलने नहीं देंगे, ये सब नहीं लिखा हुआ है। भाई लिखा था कि भाई आप शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं लोगों के मूवमेंट को, लोगों के अधिकारों को, ठीक है, तो उस अधिकार का प्रयोग ऐसे होने लगा, प्रशासन ऐसे करता है, अभी भी करता है, लेकिन अब थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, मैं उसी के संदर्भ में बात कर रहा हूं। तो यह हो गया कि भाई जनता के अधिकार को इस तरह से सरकारी अधिकारी जो एसडीएम होते हैं या उनको एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलते हैं, कार्यपालक दंडाधिकारी, एक होता है न्यायिक दंडाधिकारी जो कोर्ट में बैठते हैं और एक कार्यपालक दंडाधिकारी जो एक्सिक्यूटिव होते हैं, एसडीओ हो सकता है, डीएम हो सकता है या और भी कोई हो सकता है, ठीक है, तो इन लोगों ने एक छोटे से लेटर से आपके सारे अधिकारों को या अधिकांश अधिकारों को खत्म कर दिया, आप घर से भी नहीं निकल सकते, चलिए भाई कर्फ्यू लगा दिया गया, निकलेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, निकल देखते ही गोली मार दिया जाएगा, इस तरह के आदेश जारी किया जाता है और बताया नहीं जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया अभी जम्मू एंड कश्मीर में जब लगा हुआ था, 5 अगस्त के बाद से ये सब इस धारा का लगातार प्रयोग हो रहा है, तो अखबारों को भी दिक्कत हुई, तो एक अखबार के संपादक ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया कि भाई हमारे भी अधिकार हैं, 144 का उपयोग करते हुए आप जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर सब हमारे सारे अधिकार खत्म कर दिए हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप, हमारे खुद के भी अधिकार हैं और वो संविधान से संरक्षित हैं, आप सीआरपीसी या एक किसी कानून के माध्यम से हमारे सारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म नहीं कर सकते, हनन नहीं कर सकते, कर्टेल नहीं कर सकते या इन्फ्रिंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है, ठीक है, तो वो गवर्नेंस के दिशा में एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, आप जाएंगे नौकरी में आपको भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्या जरूरत पड़ेगी कि भाई आप गवर्नेंस चला रहे हैं, विधि व्यवस्था शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी आपकी है, तो आपको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ पावर दिए गए हैं कि किसी के अधिकारों को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं, खत्म पूरी तरह से तो कोई नहीं कर सकता, प्रतिबंधित कर सकते हैं, तो इसका आप दुरुपयोग न कर लें। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया, नाम था अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनुराधा भसीन बराम भारत संघ, उसमें ये लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें मुख्य बोली हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया था, सब लोग जानते हैं, लोगों के मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, घर से बाहर नहीं निकलना है, सब कुछ बंद कर दिया गया था, फोन सेवाएं बंद कर दी गई थी और एसएमएस सर्विस बंद कर दी गई थी, सब कुछ बंद कर दिया गया था। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 144 का इतना बड़े दायरे में उपयोग कर रहे हैं और इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कब तक करेंगे, जो शांति व्यवस्था भंग हुई उसमें आपने क्या प्रयास किया कि ये कंट्रोल नहीं हो पाई, ये सब कुछ भी नहीं लिखा है, आपको बताना पड़ेगा सारी बातें कि शांति व्यवस्था भंग क्यों हुई, आपने क्या प्रयास किया कि भंग होने के बाद आपको कंट्रोल नहीं हो पाया तुरंत ही और लोगों के अधिकारों का ये कर्टेलमेंट करना पड़ा, लोगों के अधिकारों को इन्फ्रिंज करना पड़ा, उनको कहना पड़ा आप नहीं जा सकते, आप नहीं घर से निकल सकते, ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो जो आदेश निकलेगा 144 के अंतर्गत, जो एक्सिक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो पावर है, एसडीएम का जो पावर है, उसमें आपको कहा गया कि आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या हुआ था, आपको ये बताना पड़ेगा कि हमने कंट्रोल करने की कोशिश की और नहीं हुआ इसीलिए हमने रास्ते बंद किए, या लोगों को कहा कि घर में रहना पड़ेगा आपको, हमने लोगों को घर से निकलने से रोक दिया, आपको ये बताना पड़ेगा आपका क्या प्रयास था, घटना क्यों हुई, और ये भी बताना पड़ेगा कि आपको कितना समय लगेगा उसको नॉर्मल सी रिस्टोर करने में, सामान्य स्थिति बहाल करने में। अगले आदेश तक वाला जो शब्द है ना कि जनहित में अगले आदेश तक, ये बहुत ही ज़्यादा आर्बिट्ररी है, मनमाना है, ऐसा नहीं कर सकते आप किसी के संवैधानिक या मौलिक अधिकारों का हनन, ये दो शब्द लिख करके आपने किसी कानून के प्रावधान का इंटरप्रिटेशन या व्याख्या या दुरुपयोग करके आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस केस में जजमेंट क्या दिया कि आप गवर्नेंस चला रहे हैं, चलाइए, उसके लिए लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़े तो करिए, लेकिन करते हुए यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपने अधिकारों का इतना आगे तक उपयोग ना कर दें कि दूसरे के अधिकार जो है प्रभावित हो जाए या उनके अधिकारों का हनन हो जाए।
ठीक है। तो ये बोल दिया कि आपको ये बताना पड़ेगा हुआ क्या था, आपको ये बताना पड़ेगा था कि आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए, ये लोगों को रिस्ट्रिक्ट क्यों करना पड़ा, आपको ये बताना पड़ेगा कि कब तक कर पाएंगे नॉर्मल, ये सारी बातें बताएंगे और लिखेंगे। और उसको अभी आपने कभी नहीं देखा होगा कि 144 लगा दी गई है और 144 वाला आदेश कहाँ है, सबको ऐसे ही बोल दिया है भागो भागो 144 लग गया, भागो भागो कर्फ्यू लग गया, घर में जाओ घर में जाओ, इधर नहीं जाओ इधर कर्फ्यू लगा हुआ है, इधर नहीं जाओ इधर 144 लगा हुआ है, निषेधाज्ञा लगी हुई है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लागू किया गया है। वो ऑर्डर कहाँ है ये नहीं मिला किसी को, हमने भी नहीं देखा, कभी अखबार में भी नहीं छपा कि देखिए जी इस इलाके में इस जिले में इस थाने एरिया में इस अनुमंडल में लगा दिया गया है और ये रहा आदेश। किसने साइन किया है, डीएम ने साइन किया है कि एसडीएम ने साइन किया है कि कोई दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने साइन किया है, कुछ नहीं लिखा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको इस आदेश को जिससे लोगों के अधिकारों का आप हनन कर रहे हैं या उसको कर्टेल कर रहे हैं, हनन ना बोलिए तो कर्टेल कर रहे हैं, उसको आपको पब्लिश भी करना पड़ेगा। क्या फायदा होगा पब्लिश करने से, तो यह भी बताया वहां पर कोर्ट ने। देखिए ये गवर्नेंस से हम गुड गवर्नेंस की तरफ जा रहे हैं, गुड गवर्नेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव के पावर को यानी गवर्नेंस चलाते समय आपका पावर कैसा होगा उसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा है यहां पर सुप्रीम कोर्ट कि क्यों पब्लिश करना जरूरी है। तो उसने बोला कि पब्लिश इसलिए करना जरूरी है कि जब ये पब्लिश होगा तो लोग इसको पढ़ेंगे और यदि किसी को लगेगा उस एरिया का कोई व्यक्ति है जो देख रहा है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, दो ही लोग तो आपस में लड़े थे और वो हम लोगों को परेशान करने के लिए, हमारे मोहल्ले में कोई प्रोग्राम होना था, हमारे प्रोग्राम को रोकने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, तो वो क्या करेगा, उस आदेश को चुनौती दे सके कोर्ट में। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अपने आदेश में कि आपको अपने आदेश को 144 वाला जो आदेश है उसको पब्लिश करना होगा ताकि वो सबको उपलब्ध हो सके। तो पब्लिश करने का सबसे आसान तरीका आजकल क्या है, अखबार को दे दें आप, मीडिया को दे दें, वो तो है ही, उसके अलावा आप अपनी वेबसाइट पर डाल दें, जो जिला प्रशासन की वेबसाइट होती है, आजकल तो ब्लॉक की भी वेबसाइट अपनी अलग सी है, सबके लिए अपनी अपनी अलग वेबसाइट है, अलग अलग एड्रेस भी है, तो आपको वहां पब्लिश करना होगा ताकि यदि किसी को आपके आदेश से आपत्ति है कि आपका आदेश सही नहीं है तो वो कोर्ट में चैलेंज कर सके, क्योंकि अभी से पहले ये व्यवस्था नहीं थी। यदि हम देख रहे हैं कि दो चार ही लोग तो लड़े थे और डीएम ने या एसडीएम ने या किसी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने यहां पर जो है 144 लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया, अब हम किससे कहें कि नहीं जी ये जरूरी नहीं था, इन्होंने गलत कर दिया, उससे हमें ज्यादा दिक्कत हो रही है, जितना पहले दिक्कत नहीं हो रही थी उससे ज्यादा दिक्कत हो गई और ये इनकी गलती से ही हुआ है, ये हम किससे कहें और कैसे कहें। तो इसके लिए कोर्ट ने बोला कि आपको पब्लिश करना होगा ताकि उसको ले जाकर के कोर्ट में कोई दिखा सके कि देखिए जी ये सही नहीं है मेरे विचार में, क्योंकि मेरे पास सबूत है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जो यहां लिखा है, ठीक है, तो पब्लिश कर सके। और क्या किया, और दो राइट्स क्रिएट किए नया, जिसे कहते हैं ना कि संविधान की व्याख्या जब सुप्रीम कोर्ट करता है तो व्याख्या करते हुए वो जब लिबरल इंटरप्रिटेशन या जो उदार तरीके से व्याख्या करता है तो कुछ और नए नए जो है प्रावधान कर देता है जिससे कि एक तरह से राइट क्रिएट हो जाते हैं। आर्टिकल 141 हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। तो यहां क्या बोल दिया कि भाई आर्टिकल 19(1)(g) के अंतर्गत राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट चलाने का अधिकार, कोई व्यापारी है व्यापार कर रहा है, उसको ऑनलाइन ऑर्डर आता है, फिर वो ऑनलाइन उसको पेमेंट हो जाता है, वो जाकर के होम डिलीवरी करता है या पेमेंट ऑन डिलीवरी वाली व्यवस्था है, तो व्यापार आदमी कर रहा है आजकल ऑनलाइन, तो ऑनलाइन का मतलब क्या हो गया कि इंटरनेट के सहारे, तो इंटरनेट के सहारे जो है व्यापार करने का राइट, व्यापार करने का राइट ही है और व्यापार करने का राइट हमारा फंडामेंटल राइट है, हम जो चाहें वो व्यापार करें ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये लिखा हुआ है पहले से ही आर्टिकल 19(1)(g) में। लेकिन ये नहीं लिखा था कि व्यापार करने के लिए यदि इंटरनेट जरूरी है तो उसका उपयोग भी फंडामेंटल राइट में ही आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे व्याख्या कर दी। तो गवर्नेंस में एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉ बना दिया, है ना। लॉ बनाने का मतलब पार्लियामेंट वाला लॉ नहीं, वो पावर सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 141 में ये लिखा हुआ है कि यदि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित करता है तो वो आदेश हर कोर्ट के लिए इंडिया के अंदर मान्य होगा एक लॉ के रूप में,
वो उस पर भी एक जब हम लोग 141 पढ़ेंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत कुछ विशेष जानकारी की जरूरत है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नेंस, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के सिलेबस को दिमाग में रखिए और गवर्नेंस वाले शब्द पर आप इतना बड़ा जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का दायरा आपके पास हो गया, और वो दायरा कलेक्ट करना है, कलेक्ट करने का मतलब लिखना भी है। तो जब हम लिखेंगे और उसके बाद दोबारा तिबारा पढ़ना होगा तो इतना आसान होता है, इतना आसान होता है कि आपको लगेगा ना कि जब एग्जाम है, 10 दिन बचा है या 2 दिन बचा है, या एग्जाम के गेट पर एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आपने उसको रिवाइज कर लिया, फटाफट आ गया, वहां गए, टिक लगा दिया, पता चला कि आपको 1.5 घंटे से पहले ही, 2 घंटे से पहले ही आपको पेपर कंप्लीट हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन आता है किसी भी स्टेट पीसीएस में, इंक्लूडिंग यूपी पीसीएस, जो कि काफी टफ होता है। यूपीएससी की बात अलग है, वहां पर तो टाइम कम पड़ जाता है, लेकिन आपको स्टेट पीसीएस में यदि आपने ऐसे तैयारी की है तो आपको टाइम कम, ये ज्यादा पड़ जाएगा, टाइम कम नहीं पड़ेगा, आप बैठ जाएंगे बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करके, टिक मार करके, जो भी ओएमआर सीट रंगना है रंग करके बैठ जाएंगे, यदि आपने शुरुआत में ही ये सोच लिया है तो। नहीं तो जब धीरे धीरे लोड बढ़ता जाएगा, एग्जाम नजदीक आता जाएगा तो कल लगेगा कि सब कुछ तो बाकी ही है। ठीक है, इसलिए ट्राई टू राइट नोट्स, टेकिंग नोट्स स्मॉल स्मॉल बुलेट पॉइंट्स में। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूं, लूसेंट की जो किताब है ना, जीके या जनरल साइंस या कुछ भी, उसमें भी ऐसे ही लिखे हुए हैं बुलेट पॉइंट्स, लेकिन वो बुलेट पॉइंट्स किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं, किसी और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या सभी एग्जामिनेशन के लिए कॉमनली लिखे गए हैं। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे और ये वाली चीजें लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया गवर्नेंस। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की बारी आती है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें क्या जानना चाहिए, तो सीधे सीधे वो प्रावधान ही जानने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आप कभी क्या करिए कि बेयर एक्ट, बेयर एक्ट का मतलब होता है कि वैसी किताब जिसमें कानून एज सच लिखा हुआ है, कानून की लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं लिखी हुई है, ज्यादा से ज्यादा एक लाइन या एक सेंटेंस की व्याख्या लिखी होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने 19(1), जैसे अभी मैंने बताया कि 19 के आर्टिकल 19 के बारे में होगा तो वहां लिखा रहेगा कि आर्टिकल 19 में सुप्रीम कोर्ट में इस फलाने केस में, अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(g), इतना ही लिखा रहेगा, इससे ज्यादा नहीं लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं बेयर एक्ट, जिसमें कानून ज्यों का त्यों लिखा रहता है, कानून की लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं होती है, सिर्फ केस जो है वो उस केस में यदि कुछ नया ऐड किया है सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट ने तो वो लिखा रहता है, उसको बोलते हैं बेयर एक्ट। और मेरी सलाह होगी कि सभी लोग एक बेयर एक्ट, जो सबसे अच्छी है पीएम बख्शी की, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, वो रखें, है ना, उसको देखते रहें हमेशा, उसमें आपको काफी मदद मिलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए आपको सबसे पहला ध्यान जो है ना बेयर एक्ट रख लीजिए। उसके बाद क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है, जैसे हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल से शुरू करते हैं, पार्टी करते हैं, तो पार्टी में क्या बनेगा, तो किसी ने कहा कि खीर पूरी बनेगा, किसी ने कहा कि लिट्टी चोखा बनेगा। ठीक है, तो उसमें उद्देश्य क्या है कि पार्टी करना है और इंजॉय करना है, ठीक है, खुशी मनानी है, उसके लिए लिट्टी चोखा बनेगा या खीर पूरी बनेगा, अलग अलग उसके सबके इंग्रेडिएंट्स हैं, वो खरीदने पड़ेंगे। तो उसी तरह से जब हमें ये तय हुआ कि भाई हमारा देश आज़ाद हो रहा है, हम लोगों को अब अपने से अपना समाज को चलाना है, प्रशासन को चलाना है, देश को चलाना है, सरकार को चलाना है, गवर्नेंस या स्टेट को चलाना है, तो तय किया गया कि हम क्या करेंगे, संविधान बनाएंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम लोग लिट्टी चोखा खाएंगे जाकर के खेत में या फिर बाग बगीचे में, नदी के किनारे, पार्टी करना है, इंजॉय करना है। ठीक उसी तरह से हमें संविधान बनाना है, किस लिए, देश को चलाने के लिए। ठीक है, तो देश को चलाने के लिए संविधान बनाना है, तो यही बात जो है प्रस्तावना में लिखी हुई है कि भाई हमने तय किया कि इंजॉय करना है, इंजॉय करने के लिए लिट्टी बनाना है, तो लिट्टी के बारे में लिख दी, लिट्टी खाने से ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, हाइजेनिक है तो उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती या कोई कुछ नहीं हो, ये नहीं हो सकता, वो नहीं, बहुत सारी उसकी जो है अच्छाइयाँ आप बता सकते हैं। उसी तरीके से संविधान बनाते हुए प्रस्ताव किया गया, प्रस्तावना प्रियम्बुल बनाया गया कि हम कैसा चाहते हैं अपने देश को, अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं, कैसा देखना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे, क्या उद्देश्य है हमारा, उद्देश्य है इंजॉय करना, उद्देश्य है यहां देश चलाना। ठीक है, तो देश चलाना उद्देश्य है, देश को कैसे चलाएंगे, तो क्या लिखा हुआ है वहां पर,
संविधान में, प्रीएम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, एक एक शब्द पढ़िए, वी द पीपल, मतलब संविधान कौन बना रहा है? संविधान सभा जरूर बना रही है, वहां लिखा हुआ है, नीचे लास्ट में लिखा हुआ है, लेकिन संविधान सभा में है कौन लोग? वैसे तो संविधान सभा में लिमिटेड लोग हैं, लेकिन वो वहां पर जो जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं? भारत की जनता को। इसलिए उन्होंने ये नहीं लिखा वी द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, क्या लिखा उन्होंने? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो संविधान की शक्ति कहां से आती है ये इसी लाइन से पता चल रहा है कि संविधान किस कौन बना रहा है, तो संविधान भारत की जनता बना रही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट कि वी द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यह शब्द हो गया कि संविधान को बना कौन रहा है, संविधान को जो शक्ति मिली है वो कहां से मिली है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से, हम भारत के लोग, यानी भारत के लोग जो है, अब उसमें आएगा आगे शब्द जुड़ेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली कॉन्स्टिट्यूट टू सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू सोवरीन। क्या लिखा हुआ है? पांचवा क्या है? रिपब्लिक। ठीक है, तो संविधान बना रहे हैं हम लोग, उद्देश्य हमारा क्या है, कौन बना रहा है? नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संविधान बना रहे हैं, संविधान की शक्ति यहां से आई है। ठीक है, तो We the people of India having solemnly constitute India into sovereign. Sovereign को हिंदी में क्या बोलते हैं? संप्रभु। संप्रभु, संप्रभु का मतलब क्या होता है? देखिए एक एक शब्द अब जो है ना, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, आपने क्या यहां पर देखा है? गवर्नेंस, तो गवर्नमेंट कैसे कैसे काम कर रही है वो आपने देख लिया, तो यदि गवर्नेंस आएगा तो आपके दिमाग में तो इतनी सारी बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, और वो जो आपने नोट किया हुआ है उसको फटाफट रिवीजन हो जाना चाहिए। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन यदि आप पढ़ रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा शब्द की सोवरीन, संप्रभु। संप्रभु का मतलब क्या है? अपना डिसीजन हम खुद लेंगे, किसी बाहरी शक्ति या किसी भी एजेंसी के दबाव में हमारा डिसीजन नहीं होगा, और उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। हम जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे कि हम अपना डिसीजन अपने से लेंगे, हम हैं ही इस काबिल, है ना, हम स्वतंत्र हैं ऐसा करने के लिए, उसी को सोवरीन कहा जाता है, संप्रभु। हम अपना मालिक खुद हैं, और हम मतलब कौन? भारत के लोग। भारत के लोग अपना निर्णय खुद लेंगे। अब तो क्या लिखा हुआ है? इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं हम लोग, इंडिया को बनाने जा रहे हैं, कैसे? जिसमें इंडिया अपना निर्णय खुद लेगा, हमें क्या करना है, कैसे समाज चलाना है, कैसे सरकार चलानी है, वो निर्णय खुद लेंगे। तो जब आप संविधान पढ़ेंगे तो ये शब्द आएगा, तो इस शब्द की एक व्याख्या आपके दिमाग में जो है आ जाएगी ऑटोमेटिक। यदि आपने ऐसे पढ़ा है तो आपने सिर्फ संविधान को जो जो पोर्शन है प्रीएम्बल का आपने रट लिया है तो नहीं पढ़ पाएंगे। आप जो है इस एंगल से पढ़ेंगे कि सबका अपना अपना मीनिंग है और बहुत लंबी चौड़ी फिलॉसफी है उसके पीछे, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये क्या है, और जो है उससे रिलेटेड चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, उसी तरह से टी छूट गया था, सोशलिस्ट, समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है? तो वैसे तो सब लोग जानते हैं समाजवादी का मतलब क्या होता है, कि समाज को हम ऐसा बनाएंगे जिसमें ये उद्देश्य रहेगा कि हर कोई ये सोचे कि समाज बिगड़े ना,
समाज में किसी तरह की गलत बातें ना आए जो आगे आएगा अभी वहां पर जस्टिस और वो सब जब पढ़ेंगे तो समाज जो है लोगों से मिलकर बना है, तो लोगों का ध्यान सब हम लोग जो है सब लोगों का ध्यान रखेंगे। समाजवादी का सिंपल मीनिंग यदि कहा जाए एकदम बिल्कुल द सिंपलेस्ट मीनिंग जो यदि इसको कोई कहे तो यहां पर संविधान बनाते हुए भारत के लोगों ने या संविधान सभा में बैठे हुए भारत के लोगों के प्रतिनिधियों ने क्या सोचा कि हम भारत के लोग अपना अपने बारे में कैसे रहना है उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, हम खुद अपना निर्णय लेंगे। उसके बाद हम क्या उद्देश्य है हमारा दूसरा कि हम समाज के बारे में सोचेंगे, समाज में किसी को हम ऐसा नहीं कहेंगे जिसमें यह लगे कि भेदभाव या किसी तरह का अन्याय या कुछ भी हुआ जो उस शब्द आगे यूज किए गए हैं, इसलिए उन शब्दों को मैं यूज ना किए हुए यदि एकदम सिंपलेस्ट वे में कहूं तो समाज का ध्यान रखेंगे, दूसरों का भी ध्यान रखेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम किसी के अगेंस्ट और किसी के प्रो या किसी के फेवर में हो जाएंगे तो वो कह जाएगा कि वो समाज ठीक नहीं है, वहां पर लोग जो है अपने ही में लगे रहते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं, तो ऐसा हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम समाज का ध्यान रखेंगे, उसी समाज उसी जो देश को उसी वी द पीपल को हम लोग कहते हैं कि वो समाजवादी है, समाज का ध्यान रखता है, समाज के अनुसार वो सोचता है। समाज क्या है ये भी अपने आप में एक बड़ी व्याख्या है, ठीक है। तीसरा है सेकुलर। अब सेकुलर का जो मतलब है ना, हम लोगों को थोड़ा सा जो विद्यार्थी हैं वो अलग तरीके से समझने की जरूरत है, बाकी लोग तो कुछ और समझ लेते हैं लेकिन वो आप समझेंगे तो वहां गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर दो मीनिंग लिखा हुआ आपको मिल सकता है कहीं, पता नहीं ऐसे होता है या कैसे होता है, निरपेक्ष कैसे लिखते हैं, एक मिनट में बता रहा हूं लिख के। हमें लगता है ऐसे ही होता है धर्म निरपेक्ष, हमें लगता है कि हो सकता है गलती हो, मुझे थोड़ा मतलब प्रैक्टिस नहीं है हिंदी का, धर्म निरपेक्ष। और एक शब्द दूसरा होता है हमें लगता है ये होता है शायद, कोई बताने के लिए है नहीं यहां पर भाई, अब मुझे नहीं मालूम है तो आप लोग समझ लीजिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस कम है मेरा। तो धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, इसमें इसका मतलब क्या है, ये किसको बताता है, दोनों को या एक को, दोनों में से, ये विद्यार्थी को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि धर्म निरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष है। हमें लगता है ये वाला सही है, ये वाला सही नहीं है, ठीक है। वैसे गलत ही ये भी लग रहा है मुझे। तो धर्म निरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष है समाजवादी, ये सेकुलर का मतलब, तो संविधान की किताब में ये लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। आप किस पंथ को, पंथ क्या है, एक जो है कहिए कि अपने अंतरात्मा से जुड़ी हुई चीज है, अपने कंसाइंस से जुड़े हुआ चीज है कि हम किस तरह से जो है अपने आप को मन को शांत करना चाहते हैं, या हम मानते हैं कि हम किससे जुड़े हुए हैं, हम किससे बने हैं, किसने हमें बनाया है, किसने कौन हमारी जिंदगी का भाग्य विधाता है, वगैरह वगैरह जो भी आदमी धर्म के बारे में सोचता है। तो धर्म का मतलब यहां पर धर्म नहीं है, सेकुलर का मतलब यहां पर पंथ से मतलब है कि पंथ निरपेक्ष, एक आदमी दूसरे आदमी का, या खास करके यहां पर सरकार की बारी आ जाएगी बाद में हम लोग पढ़ेंगे, तो वो इस बात का ख्याल रखता है। तो हम यहां पर ये बताना आपको चाहते हैं कि आप जब संविधान पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सबका अपना अपना मीनिंग है और इसके एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है और उसके एक बहुत बड़ा दायरे में एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। यदि आप इस तरह से पढ़ेंगे और जो भी थोड़ा बहुत समझ में आएगा उसको नोट करेंगे तो कभी आपको आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या आंसर को टिक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्टली आप कर पाएंगे, ठीक है। सेकुलर हो गया,
कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा होगा, सेकुलर होगा, यानी कि देश कैसा होगा, सेकुलर होगा, समाज कैसा होगा, सेकुलर होगा, यानी कि पंथ निरपेक्ष होगा, यानी कि एक व्यक्ति को जिस पंथ पर चलने की इच्छा है अपने कंसाइंस को, अपने अंतरात्मा को संतुष्टि के लिए, वो जैसा चाहे वैसा करे। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा करते हुए दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। अब हम पूजा करके लाउड स्पीकर बजाते हुए सबको परेशान कर दे, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई बच्चा है, परीक्षा देना है, हम कहें कि हम तो पंथ निरपेक्ष हैं, तो ऐसा नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑलवेज रहेगा, ठीक है। स्वतंत्रता जो है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। आर्टिकल 25 से जब शुरू करते हैं धर्म की आजादी, तो वहां से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेकुलर का मतलब पंथ निरपेक्ष है। तो हम भारत के जो लोग हैं वो एक दूसरे के पंथ में दखल देने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, और एक दूसरे को पंथ को मानने के लिए बाध्य नहीं करेंगे कि आप मेरा पंथ मानिए या मैं आपका पंथ मानूं। या फिर भारत की जो सरकार होगी, स्टेट होगा, स्टेट का हम लोग आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे, वो कभी ये नहीं कहेगा कि ये करो ये मत करो, इसके अनुसार हम चलेंगे, इसके अनुसार हम नहीं चलेंगे। वो किसी के अनुसार नहीं चलेगा, वो न्यूट्रल चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है सेकुलर। और यदि हिंदी की बात करें तो पंथ होता है, धर्म निरपेक्ष नहीं होता वहां, ठीक है। डेमोक्रेटिक सब लोग जानते हैं, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है सभी लोगों को पता है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है, अच्छा धर्म निरपेक्ष का स्पेलिंग किसी ने लिखा है वहां पर, ये होता है। चलो भाई सुधार लेना। तो लोकतांत्रिक मतलब क्या होगा कि जो कानून बनाएंगे, जो नियम बनाएंगे समाज को चलाने के लिए, वो जो लोग होंगे वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। लोकतांत्रिक का मतलब यही होता है कि समाज को चलाने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, संस्था को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए लोग होते हैं। और वो लोग कौन होंगे, तो वो लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, उसी को हम डेमोक्रेटिक कहते हैं। आवाज गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा हाँ, यहाँ ये वीडियो नहीं आ रहा, चलो पानी पी लेते हैं तब। हो गया। कहीं ये इसमें तो गड़बड़ शुरू कर, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि जो नियम, खास करके हम नियम को यहां कानून बोलेंगे, कानून बनाने वाले लोग हैं। कानून किस लिए बनाया जाता है? देश और समाज और संस्थाओं को चलाने के लिए। तो वो जो लोग होंगे जो वो काम करेंगे, अच्छा तो दोनों जगह गड़बड़ है कि इधर ये आपने ऐप पर, ठीक है। अच्छा रुक जाइए भाई, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, शुरू करें। तो डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है, इसमें तो भाई बिहार के लोग तो बहुत आगे हैं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक का ये मतलब होता है, हाँ कम से कम शब्द में वहां कैसे लिख दें, या वहां चुनना हो ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्री के लिए, तो कैसे चुने। तो सीधा सीधी मतलब ये है कि देश के लिए या संस्थाओं के लिए जो नियम कायदा बनाएंगे लोग, यस बनाने वाले लोग हैं, वो कौन होंगे? वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, उसी को डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं। रिपब्लिक, कोई एक व्यक्ति होता है जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष, हेड ऑफ द स्टेट। यहां स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट का मतलब पूरा राष्ट्र, नेशन, ठीक है। तो राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वो भी चुना हुआ होगा, वंशानुगत नहीं होगा, उसी का मतलब होता है रिपब्लिक। जैसे चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन वो भी रिपब्लिक है। लेकिन इंग्लैंड, वहां डेमोक्रेसी है लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। तो रिपब्लिक का सीधा, वो चाइना में क्यों नहीं रिपब्लिक है वो, और इंग्लैंड क्यों नहीं रिपब्लिक है? क्योंकि इंग्लैंड का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वहां की महारानी है, फिलहाल महारानी है, राजा भी हो सकते हैं, यानी कि वो वंशानुगत है, उनके बेटा उनके बेटी ही राजा बनेंगे, ठीक है। ये तय है वहां के व्यवस्था के अनुसार, वहां के संविधान के अनुसार। तो जो रिपब्लिक है उसका सिंपल मीनिंग यही है कि जो देश का अध्यक्ष, जो एक व्यक्ति होगा जिसको हम राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं, वो राष्ट्राध्यक्ष क्या होगा? वो चुना हुआ
प्रतिनिधि होगा जनता के द्वारा, वो चाहे चुना हुआ डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, अपने यहां इनडायरेक्ट होता है, अमेरिका में डायरेक्ट होता है ना। तो जो रिपब्लिक का सिंपल मीनिंग यही है कि हेड ऑफ द स्टेट शैल बी एन इलेक्टेड पर्सन, चाहे वो इलेक्शन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। अमेरिका में चुनाव हो रहा है, वहां डायरेक्ट है जो हेड ऑफ द स्टेट, वहां के राष्ट्रपति होते हैं और डायरेक्ट है वहां। अपने यहां हेड ऑफ द स्टेट भी राष्ट्रपति होते हैं और यहां जो है हम लोगों का जो चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, जनता नहीं चुनती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल मीनिंग है। तो सबके अपने अपने पूरे अर्थ हैं। तो आप प्रीएम्बल जो पढ़ रहे हैं तो प्रीएम्बल पढ़ते हुए ऐसा ना हो कि प्रीएम्बल का सिर्फ आपने ये याद कर लिया कि प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, ऐसे ऐसे अपने बोल दिया, ठीक है। सबके अपने अपने मीनिंग हैं। तो आप जब पढ़ाई करें, तैयारी करें, तो इन सब बातों का बढ़िया से ध्यान रखें और उसका नोट्स बनाएं। तो आगे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा हम उसको बताएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोशली सोवरेन सोशली सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू इंश्योर टू इट्स सिटीजन्स। और ये तो हम इंडिया को बनाएंगे, ऐसा इंडिया को ऐसा बनाएंगे, इंडिया को ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। लेकिन अब जो है वो समाज के बारे में बात हो गई यहाँ, या पूरे देश के बारे में बात हो गई, या पूरे राष्ट्र के बारे में बात हो गई। अब बात हो रही है कि लोगों को हम क्या करेंगे। इनके लोगों को अब तक बात हो रही थी कि हमारा समाज कैसा होगा, देश कैसा होगा, प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ था, ठीक है। अब बात हो रही है कि हम लोगों के लिए क्या करेंगे। तो लोगों के लिए क्या करेंगे कि लोगों को ये सुनिश्चित करेंगे, नागरिकों को, लोग मतलब यहां नागरिक है, नागरिकों को हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनको क्या मिले। जस्टिस। अब सोचिए कि कितना बढ़िया से बता दिया गया यहां पर। आप इसको आगे हम लोग एक एक चीज एक एक पॉइंट आगे पढ़ेंगे तो उसको और बढ़िया से समझ में आएगा। यहां पर सिर्फ इतना बोल करके खत्म नहीं कर दिया गया कि हम न्याय सुनिश्चित करेंगे। बोल देते कि न्याय होगा आपके लिए, आपके साथ न्याय होगा, निश्चिंत रहिए। जैसे आजकल मतलब नेता लोग बोलते हैं या ऑफिसर लोग बोलते हैं हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे, आप फिर करेंगे नहीं, या हो सकता है होने लायक ना हो फिर भी बोल देंगे हाँ हाँ एकदम पक्का हो जाएगा, कल तक तो हो ही जाएगा, और कई महीनों में या कई साल में ना होने वाला हो, ठीक है। तो वो वाली बात नहीं, बिल्कुल स्पष्ट किया गया कि हम किस न्याय की बात कर रहे हैं, किस तरह के न्याय की बात कर रहे हैं, क्या मतलब से न्याय से है, ठीक है। तो संविधान बनाते हुए यहां पर लिखा गया, या संविधान सभा के सदस्यों ने लिखा, या कहिए कि भारत के लोगों ने यह तय किया कि हम हर नागरिक को क्या सुनिश्चित करेंगे, सोशल जस्टिस को भी और इलेबोरेट किया जा रहा है, इतना बता दिया कि हम किस तरह के जस्टिस की बात कर रहे हैं। हम हर नागरिक को यह सुनिश्चित करेंगे कि उसको सामाजिक न्याय मिल जाए, देखिए मैं हम लोग बात अभी संविधान की कर रहे हैं, तो यहाँ पर पढ़ते हुए क्या ध्यान रखना है, प्री के लिए क्या, मेंस के लिए क्या, ये बात कर रहे हैं हम लोग। तो दूसरा टॉपिक जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन था, पहला था गवर्नेंस। तो अब सामाजिक न्याय, तो अब आप इसको सोशल जस्टिस को सामाजिक न्याय तक सीमित मत रखिए। क्या करिए कि अब जो है सोचिए कि किया भी क्या है। जैसे ये तो हमने बोला कि हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें देश का स्ट्रक्चर ऐसा हो और लोगों के लिए ये हो, ठीक है। तो लोगों के लिए ये हो तो उसी समय आपके दिमाग में ये आना चाहिए एज ए स्टूडेंट कि लोगों के लिए ये हो, ये 1947 में सोचा गया था या 1949 में सोचा गया था या 26 जनवरी 2050 को तय किया गया था। तो अभी क्या है, तो कहने का मतलब अब तक हमने किया क्या है, ये क्वेश्चन है,
ठीक है। तो अब तक हमने क्या किया है, तो सामाजिक न्याय के बारे में बात करें तो आपके दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए कि ये काम अब तक सामाजिक न्याय के लिए किया गया है। फॉर एग्जाम्पल क्या किया है, संविधान बनाया लोगों ने अब तक क्या किया है, लोगों ने मतलब लोगों के प्रतिनिधियों ने या सरकार ने या लोग नहीं, सबसे अच्छा तो लोग ही है, सबसे बड़ा लोग तो, सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल तो लोग हैं, वी द पीपल, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया है अपने समाज के लिए, सामाजिक न्याय सबको सुनिश्चित सबको मिले इसके लिए लोगों ने क्या किया है, लोगों को सामाजिक न्याय मिले इसके लिए लोगों ने क्या किया है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए। तो जैसे ही आएगा वैसे ही कहेंगे कि समाज में यदि महिला पुरुष के बराबर माना जाता हो, किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह का अन्याय ना होता हो, किसी तरह की परेशानी उनको ना झेलनी पड़ती हो कि इसलिए कि कोई महिला है, इसलिए कि कोई पुरुष है, इसलिए उसको परेशानी ना झेलनी पड़ रही हो, तभी कहेंगे कि कोई किस जाति का है इस नाम पर कुछ ना हो रहा हो। तो यहाँ पर ये शब्द लिखने के पीछे भी कुछ फिलॉसफी रही होगी कि भाई होता होगा अन्याय या हो रहा है अन्याय, तभी हमने सामाजिक न्याय की बात की। यदि सामाजिक न्याय ना हो रहा होता तो शायद हमें नहीं लिखना पड़ता कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सबको सामाजिक न्याय मिले। तो उस जगह भी चले जाना होगा कि ये सामाजिक न्याय देंगे, हम आपको खाना खिलाएंगे, तो भाई हम कैसे किसको बोलेंगे खाना खिलाएंगे, जिसको चांस है कि वो उसको खाने की जरूरत पड़ेगी हमारे पास आने के बाद, है ना। मान लिया जाए कि हमें पता है कि कोई खाना खा के आ रहा है, रास्ते से गुजर रहा है, तो हम उससे दो लाइन बात करना है, तो दो लाइन दो मिनट बात करते हुए तो ये नहीं कहेंगे कि आइए हमारे साथ दो मिनट बात करिएगा और खाना खाइएगा आधा घंटा, ठीक है। तो सामाजिक न्याय की जरूरत होगी, सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा होगा या सामाजिक न्याय को पाने का लक्ष्य हमने सोचा होगा। तो कैसे किया, तो महिला पुरुष के बारे में हम लोगों ने बहुत देखा है कि बहुत तरह की समस्याएं हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं थे, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, या उसको छोड़ दें जो सबसे आसान समझने का है कि महिलाओं को, चूंकि घर में काम करती थी अधिकांश महिलाएं, बाहर काम नहीं करती थी, खेती में काम करती थी, घर का काम करती थी, जिसके लिए कोई पैसे का ये तय नहीं था कि इसका ये काम किया, खाना बनाया तो कितने रुपये का खाना हो गया, ठीक है, या खेत में काम कर दिया तो कितने रुपए का काम हुए। एक आदमी जब जाता है दूसरे के खेत में मजदूरी करने, तो वहां पर ये होता है कि भाई चलो दिन भर काम किया, इतने खेत में इतना काम कर दिया तो 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया बन गया, लेकिन अपने घर में अपने खेत में काम करने के लिए महिलाओं की तरफ से कुछ नहीं है, तो उनको रिकॉग्निशन नहीं, ऊपर से जो है हमारी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं किया तो पिटाई भी किए, हिंसा किए, है ना। तो ये एक सामाजिक समस्या थी, तो क्या किया गया, डोमेस्टिक वायलेंस रोकने के लिए कानून बना दिया गया। तो हमने क्या किया है सामाजिक न्याय के लिए, हमने सामाजिक न्याय के लिए महिलाओं के ऊपर हिंसा न हो उसके लिए एक कानून बनाया है संविधान, ये भारत की संसद ने, ठीक है। हमने और क्या किया है, महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही वोटिंग राइट्स दे दिए हैं, सरकार चुनने में जितनी ये जनप्रतिनिधि चुनने में जितनी भागीदारी पुरुष की होगी उतनी भागीदारी महिलाओं की भी होगी, ये भी एक सामाजिक न्याय है, क्योंकि ये अभी भी बहुत सारे देशों में नहीं है और अमेरिका तक में बहुत बाद में हुआ, हमारा संविधान जब से लागू हुआ तभी से ये राइट हमने दे रखा है, लेकिन अमेरिका ने नहीं दे रखा था, तो इसका भी अनुभव था कि यह भी एक सामाजिक अन्याय है, ये कि कोई महिला है इसलिए वोट नहीं दे सकती, है ना। तो इस तरह से हमने काम किया है कि सामाजिक न्याय की दिशा में। अच्छा, उससे भी बड़ा सब लोग जो जानते हैं, और क्या किया सामाजिक न्याय, तो एक और सामाजिक अन्याय होता है कि फलाना फलाना जाति क्या है, वो नीच है, नीची जाति क्या है, ऐसे लोग बोलते हैं, गाली देते हैं, नाम लेंगे तो नाम लेते हुए भी गाली देंगे, बोलते हुए भी गाली देंगे, तुमको ये काम करना पड़ेगा, तुमको जो है हमारा बात ये मानना पड़ेगा। अभी आपने भी कभी कभार सुन लेते हैं कि इस इलाके से जो है किसी दलित की बारात जा रही थी तो घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, या कुछ और इस तरह की घटनाएं हो जाती है, तुमको नाली साफ करना ही पड़ेगा, मैनुअल स्कैवेंजिंग वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ कि जाति के नाम पर कि फलाना जो है शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इस नाम पर उससे जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, उसको अपमानित कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक न्याय, लोगों ने देखा कि ये अन्याय हो रहा है, तो ये सामाजिक न्याय को अचीव करना था, तो हमने संविधान में तय किया कि हम अचीव करेंगे, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे सभी नागरिकों को। उसके लिए हमने क्या किया, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट बना दिया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्या नाम उसका बोलेंगे, अत्याचार निरोधक कानून, SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट।
ठीक है, तो वो बना दिया। तो सामाजिक न्याय की दिशा में क्या क्या काम किया, जैसे आप पढ़ेंगे ये प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो आप बात करेंगे कि उसमें लिखा हुआ है संविधान में कि हम जस्टिस की बात करेंगे, कौन सा सोशल, तो सोशल जस्टिस में किया क्या है तो ये बताएंगे, ये किया है। एससी एसटी के खिलाफ जो है वो ये बहुत ज्यादा ये होते थे, वायलेंस होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, अत्याचार होता था, इसीलिए अत्याचार शब्द लिखा गया है कि अत्याचार निरोधक कानून है, वो अत्याचार दिखना चाहिए और उसको हम रोकेंगे, जो करेगा उसको पनिश करेंगे। ठीक है, तो हमने ये कर दिया है। सामाजिक न्याय के लिए हमने लक्ष्य रखा था संविधान में 26 जनवरी को या 26 नवंबर को 1949 को कि हम ये करेंगे, और हमने ये कर दिया है अब तक। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता क्या होगा, दायरा बढ़ गया इसका। अब सोशल जस्टिस से हम कहाँ चले गए कि ये महिलाओं के लिए क्या क्या किया। अभी जो है 2005 में एक और नया कानून बना दिया कि बेटा और बेटी कानून में बराबर का हक रखेंगे अपने माँ बाप की संपत्ति में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो है थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन किया जिसमें डाउट था। तो ये सब सामाजिक न्याय के एग्जाम्पल हैं, है ना। तो आपका दायरा बढ़ गया कि आपने सामाजिक न्याय जैसे ही आया आपने एक दो चार एक्ट, दो चार कानून का नाम, दो चार योजनाओं का नाम आपको याद हो गया, है ना, कि ये किया हमने। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। ये नहीं पढ़ाई करना है कि लिखा हुआ ये प्रीएम्बल रट लिए हैं कि इंश्योर क्या करना है भाई, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, बात वहीं खत्म नहीं होती है। सोशल जस्टिस की बात आएगी, जस्टिस में सोशल की बात आएगी, तो आप ये एग्जाम्पल देंगे। निश्चित रूप से जब वो एग्जाम्पल देंगे तो उसमें भी आप अंदर घुसेंगे क्या है इसमें, है ना, कि डोमेस्टिक वायलेंस में क्या है, क्या क्या हो जाएगा, उसके अलावा और भी जगह पर व्यवस्था है उसमें क्या क्या हो जाएगा, क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या पनिशमेंट मिलेगा, ये सब। इकोनॉमिक, तो देखिए इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है, आर्थिक न्याय, टाइम अभी है ना 11:30 बजे तक ना, तो आर्थिक न्याय की बात करेंगे। संविधान क्या करेगा, संविधान के माध्यम से जो संविधान की एजेंसियां हैं जैसे सरकार, वो क्या करेगी, वो ये सुनिश्चित करेगी कि सभी नागरिकों को क्या मिले, आर्थिक न्याय मिले। आर्थिक न्याय का मतलब इसके बाद जो है इसी के आधार पर आगे भी प्रावधान किया गया, हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में पढ़ेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि भाई ऐसी व्यवस्था सरकार करे जिससे कि जो उत्पादन के संसाधन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो खेती अनाज प्रोडक्शन हो या फिर और भी किसी तरह का प्रोडक्शन हो, अपने सामान का प्रोडक्शन हो, वो कुछ ही हाथों में केंद्रित न होकर रह जाए, जिसको हम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म कहते हैं, जो है अति पूंजीवाद यदि कोई आजकल बोलने लगे हैं लोग, तो वो उस तरह का ना हो जाए कि सारा चीज का मालिक एक, सारे खेत का मालिक एक ही आदमी, हर कोई अब जो है खेत में मजदूर है, कल तक जो है खेत का मालिक था आज मजदूर है, या जो है हम सब लोग डिपेंड हैं, जो ये पेट्रोल मिलेगा वो एक ही व्यक्ति उसका मालिक है पेट्रोल का, हम सब लोग डिपेंड हैं कि जो पानी आएगा वो एक ही कंपनी से आएगा, बिजली आएगी वो एक ही कंपनी से आएगी, तो ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति जो है या कुछ ही व्यक्ति, फ्यू हैंड्स लिखा है वहां पर, कि कुछ ही हाथों में मींस ऑफ प्रोडक्शन कंसंट्रेट ना हो जाए, यह सुनिश्चित करना है। तो आर्थिक न्याय कैसे मिलेगा कि सबको जो है अपना जो मेहनत है, अपनी जो मेहनत करता है उसको, उसके बदले उसको मिले। जैसे पहले क्या था, एक हमने कानून बनाया है जो LSW पढ़ेंगे उनको पता चलेगा, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट, समान पारिश्रमिक अधिनियम। अब सोचिए उस समाज के बारे में जहां पर यह कानून बनाना पड़ा कि भाई आपको बराबर मजदूरी देनी होगी, बराबर मजदूरी का मतलब क्या, नहीं मिल रहा है क्या, तो हाँ नहीं मिल रहा है, किसके लिए है, महिलाओं के बारे में है वो, कि समान पारिश्रमिक जो है, काम सबने बराबर, दोनों ने बराबर किया, एक को कम एक को ज्यादा दे रहे हैं, और इतना वो भयंकर रूप ले चुका है कि वो किसी के कहने से कंट्रोल नहीं हो रहा है और किसी के पास पावर नहीं है उसको रोकने का, तो क्या करना पड़ा, कानून बनाना पड़ा पार्लियामेंट को, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट बना करके ये सुनिश्चित किया गया कि पुरुष और महिला को हम बराबर मजदूरी देंगे, ये नहीं कि पुरुष कलेक्टर है तो उसको ज्यादा मजदूरी और ये वुमेन कलेक्टर है तो उसको कम मजदूरी, या फिर एक जो है खेत में काम करने वाला दिहाड़ी मजदूर हो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाला हो, या फैक्ट्री में काम करने वाला हो, या कोई भी हो, पुरुष और महिला के आधार पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे,
या फिर किसी को कहेंगे कि नहीं तुम तो संपत्ति रखने का अधिकारी नहीं हो, जैसे पहले पहले था महिलाओं के लिए कि भाई महिला की शादी हो जाने के बाद, बच्ची की शादी हो जाने के बाद, लड़की की शादी हो जाने के बाद उसका पिता की संपत्ति में हक नहीं है। तो ये आर्थिक न्याय तो नहीं था कि अब जैसे तैसे अब कर दिया, अब जाओ तुम्हारा जो है खत्म, अधिकार खत्म। ठीक है, तो ये आर्थिक न्याय की दिशा में भी हमने काम किया। सबसे बड़ा तो यही कहेंगे ना कि भाई महिला और पुरुष के साथ ऐसा हो रहा था हमारे समाज में, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमने तुरंत क्या किया, कानून बनाया, इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट, समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो इस तरह से हमने करके और लोगों को, हर एक नागरिक को या सिटीजन्स को हमने क्या इंश्योर किया कि उनके साथ आर्थिक रूप से अन्याय नहीं हो या आर्थिक न्याय उनको मिले। सबसे बड़ा ये और सबसे विवादित ये है ना, वैसे छोटा है, यही दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये जो है चूंकि कभी कभार इमोशन से जुड़ जाता है तो ये सबसे बड़ा बन जाता है। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तो अब जो है ना, राजनीतिक न्याय जनता को देना है तो क्या हर किसी को मंत्री बनाना है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह नहीं है, इसका मतलब यह है कि यहां इसके बैकग्राउंड में आप जाके सोचेंगे, बैकग्राउंड में आप जाके सोचेंगे। और देखिए, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एक एक शब्द के लिए संविधान में आगे प्रावधान किए गए, ये तो ये है कि भाई हमने बात किया था ना कि पार्टी होगी लिट्टी चोखा बनेगा, तो लिट्टी चोखा बनेगा तो लिट्टी में आटा कैसा रहेगा? आटा केवल गेहूं का रहेगा या और उसमें मिलाएंगे कुछ? सत्तू कैसा रहेगा? सत्तू केवल चने का रहेगा कि उसमें जौ भी डालेंगे? हरियाणा के लोग होंगे तो बिना जौ वाला उनको पसंद नहीं आएगा कि जौ भी सत्तू भी डालो, है ना। कोई कहेगा लाल मिर्ची डालो, कोई कहेगा मत डालो, कोई कहेगा हरी मिर्ची थोड़ा ज्यादा डालना। तो कैसा बनाना है, तो उसके लिए हमने काम किए हैं आगे। यदि सोशल जस्टिस की बात करें तो हमने आर्टिकल 14 से शुरू किया कि 14 में समानता की बात कर रहे हैं कि सब समान हैं, लेकिन 15, 16, 17, 18 वहां पर जो है और व्याख्या किए कि समान नहीं कहां कहां पर हो रहे हैं तो उसको कैसे समान किया जाए। तो 15 में कहा गया कि भाई कोई ये नहीं कहेगा पुरुष महिला, कोई ये नहीं कहेगा कि वो वहां का रहने वाला है, कोई ये नहीं कहेगा कि गोरा काला। इस तरह से कहा गया कि इस आधार पर भी आप भेदभाव नहीं करेंगे, जबकि 14 में वो सारा कुछ है, लेकिन 15 को अलग से बताया गया। हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सोशल जस्टिस के इंश्योर करने के लिए हमने संविधान में कहीं लिखा है, पहले यहां तय किया कि हम लिट्टी चोखा बनाएंगे, उसके बाद वहां पर एक एक चीज तय कर रहे हैं कि ऐसा इंग्रेडिएंट होगा। हम जो इस तरह से इंश्योर करेंगे कि हम ऐसे अपना खाना बनाएंगे, ऐसे हम अपना समाज बनाएंगे। ठीक है, तो हमने सोशल जस्टिस को तय करने के लिए आर्टिकल 14 से लेकर के हम बात करें 16, 17, 18 हमने सब में यही प्रावधान किया कि ये सुनिश्चित हो सके कि समाज में सामाजिक न्याय कायम रहे। यह है, यह हम कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमने प्रावधान किए। तो ये लक्ष्य था, लक्ष्य था लिट्टी चोखा की पार्टी करना। उसके लिए कैसे पार्टी करना है वहां फंडामेंटल राइट में लिख दिया गया। ठीक है, तब उसी तरह से आते हैं वहां राजनीतिक न्याय पर। समाज का हर व्यक्ति को यह तय, ये इंश्योर करना है, हर व्यक्ति के लिए राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना है, यह संविधान का लक्ष्य है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया? अब संविधान निर्माताओं ने संविधान में ही व्यवस्था की। संविधान में व्यवस्था क्या की कि भाई हर कोई चुनाव लड़ सकता है, जो जनप्रतिनिधि होंगे, जनप्रतिनिधि होने के लिए कोई शर्त नहीं होगी। अभी आप सोच लीजिए कि हम लोग उस मामले में, बहुत सारे मामलों में हम लोग पीछे हैं, लेकिन बहुत मामले में हम लोग बहुत आगे हैं। जैसे आज तक अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है, हमने बना दिया, प्रधानमंत्री भी बना दिया। ठीक है, तो निश्चित रूप से हमारा समाज तो ज्यादा लिबरल हुआ उनके तुलना में। ठीक है, तो सामाजिक न्याय के लिए यह तय कर दिया गया कि महिला पुरुष को बराबर तरीके से चुनाव लड़ने का या चुनाव में भाग लेने का पूरा अधिकार है, वोट देने का भी अधिकार है, इलेक्ट होने का भी अधिकार है। ठीक है, दूसरा क्या किया कि समाज में अलग अलग काम करने वाले लोगों का अलग अलग वर्ग है, क्लास है, और सभी क्लास के लोग जो है इक्वली जो है अपना वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ये जो जाते हैं संसद या विधानसभाओं में, तो वहां पर क्या करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। तो देखा गया, उस समय भी देखा गया जब संविधान बनाया जा रहा था, या उससे पहले पुनः पैक्ट वगैरह की आप इतिहास में जाएंगे तो समझ में आएगा कि भाई नियम कायदे बनाने के लिए जो लोग हैं
वो किसी खास वर्ग से आते हैं या किसी खास वर्ग से बिल्कुल नहीं आते, है ना। पूना पैक के इतिहास को थोड़ा पढ़ेंगे तो वहां से राजनीतिक न्याय को यदि आपको समझना है ना तो पूना पैक से जरूर शुरू करना होगा। इतिहास में पूना पैक क्या है वहां से समझना जरूरी है। पहले भी बहुत कुछ है लेकिन पूना पैक से हम मॉडर्न इंडिया में समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सुनिश्चित किया गया कि भाई महिला पुरुष को हम भाग लेने देंगे हर तरह के प्रोसेस में, चुनाव में हर पोस्ट के लिए एलिजिबल है, हर हर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें सब करेंगे उसमें वो भी करेगी, ठीक है। दूसरा क्या किया कि जो वर्ग हैं जो अभी ये नहीं करते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग में या पॉलिसी मेकिंग में, लॉ मेकिंग में, हम ये लेजिस्लेटर्स को लॉ मेकर्स बोलते हैं, सांसद विधायक इन सबको, तो सांसद और विधायक जो लॉ मेकर्स हैं वो किसी खास वर्ग से हैं और किसी खास वर्ग से नहीं हैं। कोई ऐसा नहीं है जो इस वर्ग से आता हो, और इस वर्ग से आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्लास में बटा हुआ है समाज हमारा, तो हमारे समाज के बहुत ज्यादा क्लास में बटे होने के कारण ही ये सोचना पड़ा। ऐसा अमेरिका में नहीं है, कैथोलिक रोमन हो गया। यहां पर क्या है, या ब्रिटेन में नहीं है, वहां पर भी वैसे ही है कुछ। कैथोलिक रोमन तो दो ही तरह के हैं, दोनों को मतलब दोनों ने बराबर पढ़ाई किया, दोनों सब लोग बराबर हैं तो सब लोग पहुंच जाते हैं। वहां पर तो ये जरूरत नहीं है कि किसी कोई नहीं आया है उसको लाना है, कोई ज्यादा आ गया है उसको हटाना है, ऐसा कुछ नहीं, या उसको रोकना है। तो सामाजिक न्याय के लिए पहले महिला पुरुष की बात की गई, और दूसरी बात हमने क्या कर दी कि एससी एसटी एंग्लो इंडियन, संविधान में रिजर्वेशन है एंग्लो इंडियंस के लिए, राष्ट्रपति के पास पावर है या गवर्नर के पास पावर है, और एससी एसटी के लिए संविधान ने खुद ही व्यवस्था कर दिया है कि भाई इतने सीट जो है एससी के लिए रिजर्व रहेगी, इतनी सीट एसटी के लिए रिजर्व रहेगी, विधानसभा में भी लोकसभा में भी इस तरह से व्यवस्था कर दी गई है, राज्यसभा की या फिर जो लोकल बॉडीज आजकल हो गई है पंचायत में आर्टिकल 243 के अंतर्गत, वहां भी रिजर्वेशन दे दिया गया है। तो इसलिए दे दिया गया कि जो समाज है वो वर्गों में बटा हुआ है, कोई वर्ग ज्यादा ये काम करता है डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन लेता है ना, कभी कभार किसी को ये कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है। हम लोग वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़ेंगे, या आपने बगल में हिस्ट्री पढ़े श्रीलंका की, तो श्रीलंका में जो शुरू हुआ तो सिंगलीज और तमिल समुदाय वहां दो रहता है, तमिल समुदाय का ओरिजिन इंडिया है, ये लोग पढ़े लिखे थे, वहाँ के सिंगली समुदाय पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, तमिल की जनसंख्या कम थी, लेकिन चूंकि पढ़े लिखे ये थे तो वहाँ पर ये गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करते थे। फिर किसी ने बता दिया कि अरे तुम तो ज़्यादा हो, तुमको राज करना चाहिए, वो कर रहे हैं, फिर लड़ाई हो गई। लड़ाई होते होते कहाँ क्या क्या बात पहुँची, भारत के एक प्रधानमंत्री या एक पूर्व प्रधानमंत्री की जान चली गई, कितने सेना के लोग मारे गए भारत के, तो ये रूप ले सकता है ना। तो इसलिए क्या है कि ऐसा ना हो कि कोई डिससैटिस्फाइड महसूस करे और कोई लगे कि हम तो गुलाम हैं, कोई किसी को ये लगे कि हम तो राजा हैं। ये सब खत्म करने के लिए सुनिश्चित किया गया कि सबको पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा, और पॉलिटिकल जस्टिस के लिए जिस जिस तरह से संभव है वो दिया जाएगा। तो कहा गया कम से कम इतनी सीटें एससी को रहेंगी लोकसभा में, विधानसभा में, यहां यहां, और कम से कम इतनी सीटें एसटी को, शेड्यूल ट्राइब्स को, यानी अनुसूचित जनजाति को रहेंगी। तो पॉलिटिकल जस्टिस के लिए यह किया गया है, ठीक है। अभी एक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो रही है जो कि बहुत ही उदार कहेंगे उसको, बिल्कुल उदार कहेंगे, महिला आरक्षण, है ना। उसमें कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के कारण जो है, सब जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं या जो थोड़ा संपन्न है, जिनके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, उनको इंटरेस्ट विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद में है, उनको इंटरेस्ट शायद, ये मेरा अपना ओपिनियन भी हो सकता है, कि शायद उनको पंचायतों में इंटरेस्ट नहीं है। तो पंचायतों के लिए तो खड़ाखट नियम बना दिया गया कि 33% रिजर्वेशन महिलाओं का होगा वहां। बिहार सरकार ने थोड़ा और आगे बढ़ के 50% कर दिया है ना, सरकार को पावर होता है वो ये कानून के अनुसार। लेकिन राजनीतिक न्याय की यदि हम बात कर रहे हैं तो वो असली पूर्ण तब होगा जब हम विधानसभा, लोकसभा और विधान परिषद में और राज्यसभा में सब जगह दे दें प्रतिनिधित्व। 33% मान लिया कि महिलाएं आधा हैं समाज में, तो आधा ना दे तो कम से कम 33% तो दें। ये कितने सालों से, 30 सालों से या उससे भी ज्यादा समय से अभी तक चल ही रहा है। तो कहने का मतलब राजनीतिक न्याय की दिशा में एक हमने बहुत सारे माइलस्टोन अचीव किए हैं और कुछ अचीव करना बाकी भी है। तो आप राजनीतिक न्याय दिमाग में आएगा या ये बात दिमाग में आई कि इनको जनता को या सिटीजन्स को या नागरिकों को इंश्योर करना है, तो आपके दिमाग में पॉलिटिकल जस्टिस आते ही ये सारी बातें आनी चाहिए, कहां कहां अन्याय हो रहा है। तो महिला पुरुष से शुरू करके आपको वर्ग तक जाना है। वर्ग के बाद जाति एक अलग कंसेप्ट है, वर्ग ही संविधान में है, जाति कहीं नहीं लिखा है संविधान में।
अच्छा ख़त्म करना है, अच्छा तो 5 मिनट कितना बचा? ठीक है, तो जब आप पढ़ें तो इस हिसाब से पढ़ें। तो अब इसी से आ जाएगा एक क्वेश्चन कि भारत के संविधान में कितने तरह के न्याय की बात कही गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी लिखा रह सकता है, मतलब पांच ही ऑप्शन होते हैं वहां पर, तो 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया जाएगा। तो भाई चाहे आप 1000 मीनिंग निकालें, लेकिन लिखा तो 3 ही है ना, मीनिंग इसके कई निकल सकते हैं। तो आप यदि उसके भाषा पर ध्यान देंगे तो आपको जेंडर जस्टिस, जेंडर जस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं मालूम है, क्या बोलते हैं? लिंग नहीं, जेंडर को लिंग नहीं बोलते। एनीवे जेंडर जस्टिस सब लोग समझ ही रहे होंगे। तो जेंडर जस्टिस, तो जेंडर जस्टिस तो अभी कर नहीं पाए हैं हम लोग, नहीं महिलाओं को कहां दे पाए हैं, पार्लियामेंट में नहीं दिए हैं, लेकिन क्या है कि बहुत जगह दिए भी हैं, बहुत बहुत व्यवस्था किए भी हैं। तो आपके दिमाग में इस तरह से बातें आनी चाहिए कि ये हमने किया है। और जो जो बात यहां पर लिखा हुआ है ना, मैंने इसे प्रियम्बुल को इसीलिए आपको बताया कि प्रियम्बुल एक शब्द नहीं है और ये एक छोटा सा आईना नहीं है, एक बहुत बड़ा दर्शन है। इसको कहते हैं गोल्डन गोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक एक शब्द के लिए, अब मैंने बताया कि एक शब्द है ये, और इस एक शब्द के लिए संविधान में कम से कम यदि बात किया जाए तो कितने आर्टिकल हैं? 14, 15, 16, 17, 18 कम से कम। वैसे और भी हैं, आगे और भी कर सकते हैं, मतलब ये भी यदि पॉलिटिकल जस्टिस सोशल जस्टिस से अलग नहीं है, ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट तो नहीं हो सकते, सेपरेट हैं लेकिन बिल्कुल वाटर टाइट सेपरेशन की बात करेंगे तो नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि संविधान में कितनी तरह के जस्टिस की बात की गई है। मान लीजिए कभी नाम दे दिया जाएगा कि सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशल एंड जेंडर, इस तरह से कुछ लिख दिया जाए, पॉलिटिकल एंड जेंडर ऐसे लिख दिया जाए, तो आपको ये मालूम होगा तो आप चूज कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से जब पढ़ें पॉलिटी का, जो किताब पढ़ें या पॉलिटी पढ़ें, तो आपको इस हिसाब से ये करना चाहिए। अच्छा, अब जो है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो थोड़े से बड़े ये टर्म है उसमें सोशल जस्टिस आपने हम इंक्लूड कर ही लिया अभी, तो गवर्नेंस पढ़ते हुए क्या क्या दिमाग में आना चाहिए नोट करें आप, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए क्या क्या दिमाग में आना चाहिए। प्रियम्बुल से ही सब कुछ डिराइव हो रहा है, प्रियम्बुल एक बार पलताय हो गया लिट्टी चोखा, उसके बाद अब जोड़ रहे हैं कि चोखा जो है ये आलू भंटा का बनेगा कि उसमें टमाटर भी डालेंगे, तो धनिया का पत्ता डालेंगे कि नहीं डालेंगे, मिर्ची डालेंगे कि नहीं डालेंगे, कम डालेंगे ज्यादा डालेंगे, सब कुछ कर रहे हैं आप, तो सब कुछ यहीं से डिराइव हो रहा है। ठीक है, तो आप गवर्नेंस पढ़ते हुए उन सारे टॉपिक्स का ध्यान रखिए और कहां कहां संविधान में लिखा है गवर्नेंस के बारे में, राष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगी, संसद होगी, सीएजी होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ये सब कहां लिखा है, है ना, तो ये गवर्नेंस में आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन एक उससे बड़ा उदार टर्म है जिसमें पूरी सोसाइटी और पूरे राष्ट्र की बात या पूरे नेशन की बात या पूरे स्टेट की बात की जाती है कि वो कैसा होगा, वो दर्शन है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सिर्फ गवर्नेंस नहीं है, अदरवाइज ये यूपीएससी ऐसा नहीं लिखती, है ना, कि पॉलिटी को वहां पॉलिटी भी लिखा, इस पॉलिटी और इस पॉलिटी में तो अंतर हो गया ना, ये पॉलिटी जो है पूरे सिस्टम को बता रही है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और ये पॉलिटी बता रही है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, नहीं। तो इस तरह से सबका अपना अपना परिभाषा, अपना अपना डिफिनेशन दे दिया गया है कि गवर्नेंस का मतलब ये है, कहां कहां संविधान में है। जैसे ही आप यहां देखें पॉलिटी यदि आप पढ़ रहे हैं तो प्रियम्बुल को हमेशा ध्यान में रखें, और प्रियम्बुल के लिए क्या क्या कहां कहां किया गया है, संविधान में क्या है, कानून में क्या है, ये ध्यान रखेंगे। और उससे भी यदि बड़ा चाहें तो आप सोच सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे उसको अलग से, जैसे करंट इफेयर्स की बात करते हैं या थोड़ा बहुत इकोनॉमी में चले जाते हैं, स्कीम्स योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं, पेंशन योजना है, एग्रीकल्चर के लिए अलग योजना है, डेवलपमेंट के लिए अलग योजना है, सामाजिक सुरक्षा के लिए अलग योजना है, तो वो सब आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो आप गवर्नेंस इस तरह से पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से पढ़ेंगे, पॉलिटी पॉलिटिकल सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम में जनरली बात आती है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स का मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही नहीं होता है। ठीक है, इसलिए पॉलिटिक्स का जैसे ही दायरा आएगा आपको, बस अभी खत्म करेंगे 2-4 मिनट में,
पॉलिटी का मतलब क्या हुआ? पॉलिटी का मतलब पॉलिटिक्स हुआ या कुछ और भी हुआ? तो पॉलिटी का मतलब पॉलिटिक्स भी हुआ और ये यहां पर ऐसे नहीं, इसका असली मतलब जो है वो ये हुआ, पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी किस लिए बनाई जाती है? ये जैसे ही ये शब्द आएगा आपको ये सब ध्यान आना चाहिए तुरंत। पीस एंड डेवलपमेंट, जो भी पॉलिसी होती है चाहे देश के लेवल पर हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, नेशनल इंटरनेशनल हो, या लोकल हो, या घर में हो, सबके लिए, सब हम जो पॉलिसी बनाते हैं उसको हम इसी के लिए बनाते हैं, विकास के लिए और शांति से रहने के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें दिमाग में आनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स का मतलब जो है यहां पर, अब यहां पर कह सकते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक हो गया, और किस तरह का पॉलिटिक्स होगा? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है इलेक्शन से जुड़ा हुआ गया, हमको चुनिए, हम अच्छा से काम करेंगे, हम शांति और डेवलपमेंट के लिए अच्छे से काम करेंगे, हम इस तरीके से शांति डेवलपमेंट लाएंगे, सबका अपना अपना एजेंडा होगा, उसको हम कह सकते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो जब पॉलिटी आप पढ़ें कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपके दिमाग में पॉलिटिक्स जिससे रिलेटेड जो है वो आना चाहिए कि भाई 191 कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है उसमें लिखा है कि भाई कोई कैसे बनेगा संसद का सदस्य, कोई कैसे बनेगा विधान परिषद विधानसभा का सदस्य, और कोई कैसे राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है। उसके साथ साथ में जो है ये संविधान में ये व्यवस्था है कि भाई संसद कितने दिन तक चलेगी, कैसे कैसे चलेगी, संसद का सेशन कैसे होना चाहिए, वो सब लिखा हुआ है वहाँ पर कैसे करना है। दो जैसे लिखा है कि संसद के दो सदन ये सेशंस के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हमारे यहाँ 3 सेशन चलता है। सबसे पहले जो शुरू होता है जनवरी फरवरी और मार्च में, उसको हम लोग बजट सेशन बोलते हैं। अभी जो बीच में मानसून के समय जुलाई अगस्त में शुरू होता है, इस बार लेट हो गया तो मानसून सेशन बोलते हैं। उसके बाद जो है नवंबर दिसंबर में विंटर सेशन होता है। तो इस तरह से हम तय करते हैं, है ना। तो उसके बाद पॉलिसी बनाते हैं किसके लिए? शांति के लिए। क्या शांति के लिए? अब इसमें जो है ना जितने भी ये सब शब्द हैं उससे वो आगे बहुत दायरा बढ़ता जाएगा। शांति के लिए तो भाई हमने कोर्ट कानून बना ही रखा है, उसके अलावा जो है जरूरत पड़ी कि भाई अब टेररिज्म है तो हमने टेररिज्म के लिए टेररिस्ट स्क्वाड बनाया, उसके अलावा NIA एक संस्था का गठन किया, CBI एक संस्था का गठन किया, या और भी तरह के स्पेशलाइज्ड जो है संस्थाएं हैं। आजकल आप लोग जो NCRB का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का आप लोग नाम जान रहे होंगे, खूब जम के चल ही रहा है TV में। तो इस तरह से जो है शांति के लिए ये है कि भाई जो लोग इस तरह से ड्रग व्यापार करेंगे तो जो लोग ड्रग लेंगे, ड्रग लेकर के अपने आप को बर्बाद करेंगे, समाज को बर्बाद करेंगे। तो इसके लिए हमने हर स्टेप पर कानून कायदे बना रखे हैं, कभी पार्लियामेंट द्वारा, कभी सरकार ने अपने द्वारा बनाया। तो पार्लियामेंट बनाएगी तो उसको कानून बोलेंगे, सरकार बनाएगी उसको नियम बोलेंगे, है ना, नियम बोलेंगे या रेगुलेशंस बोलेंगे, रूल्स बोलेंगे, बायलॉज बोलेंगे, नोटिफिकेशन बोलेंगे, सर्कुलर बोलेंगे। इतने सारे शब्द हैं जो सरकार बनाती है, जो पार्लियामेंट बनाएगी या जो संसद बनाएगी या जो विधायिका बनाएगी उसको हम कानून बोलते हैं, ठीक है। तो पॉलिटी के बारे में यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये सब बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। और कहाँ पर क्या है, विधानसभा के सदस्यों के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन कहाँ कहाँ है, संसद के सदस्यों के लिए क्वालिफिकेशन और ये सब कहाँ कहाँ है, उसमें किस तरह से रिजर्वेशन, यहाँ भी पॉलिटिक्स में आ जाएगी कि रिजर्वेशन की बात की जा रही है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो कुल मिला के अब हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो UPSC का ये लाइन आप हमेशा याद करके रखिए, क्योंकि ये छोटा है, याद रखना आसान है, इससे आपको एक दायरा मिलेगा पढ़ने का, ठीक है। ये याद रखिए कि BPSC के लिए भले हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन हम याद रखना या कुछ बात करना हमारे लिए कब आसान होगा, जब हम UPSC की ये लाइन याद रखेंगे। आप सिलेबस देखिए UPSC का, UPSC के सिलेबस में जो शुरुआत किया गया है पॉलिटी के सिलेबस में, उसमें लिखा हुआ है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो ये सब शब्द इसके ये याद रखिए कि हमको पॉलिटी ऐसे पढ़ना है,
यूपीएससी के सिलेबस में जो शब्द लिखे हुए उसके अनुसार आप तैयारी भले बीपीएससी की कर रहे हैं, लेकिन आप जो है इन शब्दों का इस्तेमाल वहां भी है, वहां भी है, संविधान ही सबको पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का अप्रोच डेवलप करने के लिए, अपने दायरे को, अपना स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क बनाने के लिए ये शब्द बड़े काम के हैं। ये शब्द जो है ना आपको एक फ्रेमवर्क दे देगा, जिससे चूंकि हम लोग पढ़ते हैं ना तो कहा जाता है कि ऐसे याद करें कि कुछ कुछ जोड़ दे तो हमें आसान हो जाए याद करना। तो याद करना कब आसान हो जाएगा? जब आप यूपीएससी की ये लाइनें याद रखेंगे यूपीएससी के सिलेबस की, ठीक है, और एक एक चीज पर आपका जितना मतलब जितना मेमोरी पावर होगा या जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे, मेमोरी पावर लगभग सबका एक ही जैसा होता है, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने सोर्सेज से पढ़ेंगे, जितना शांति से पढ़ेंगे, आप उतना रिकॉल कर पाएंगे, है ना। तो इस हिसाब से आप पढ़िए और तैयारी करिए। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे आंसर लिख देना है, या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो उसके बारे में तो हम अभी बात करेंगे पूरा, अभी बहुत कुछ समझा भी दिए कि भाई जस्टिस के मतलब ये है, ये होगा तब जाके जस्टिस होगा, जस्टिस में भी तीन तरह के जस्टिस संविधान में बात किया गया। तो ये सब शब्द जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से यहां से भी क्लियर हो रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर हो रहे हैं। पढ़ने का तरीका आपको ऐसे अपनाना होगा, ठीक है। और जो कुछ भी आ रहा है, आप जैसे ही अखबार पढ़ रहे हैं तो वहां पर आया, अभी जो है संसद के लिए बारे में विवाद हुआ, कि विवाद क्या हुआ कि भाई ऐसे वोटिंग कराई जाए कि वैसे वोटिंग कराई जाए। अभी संसद में कानून बने, कानून में खास करके जो ज्यादा चर्चा जिसकी हो रही है, फार्म से रिलेटेड तीन कानून बने और लेबर से रिलेटेड कानून बने, कोड बने, ठीक है। तो आप वहां पर नोट कर लीजिएगा तो आसानी होगी आपके लिए ये पढ़ने के लिए। तो वहां पर आ जाएगा वोटिंग के लिए, वोटिंग का क्या प्रावधान है इसमें, सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में कैसे कैसे बिल पास होते हैं, किस तरह के बिल होते हैं, किस तरह की मेजोरिटी होती है। अब ये सारे बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए जब आप पढ़ें, जब आप अखबार में ये न्यूज देखें कि विवाद हो गया कि नहीं भाई पास हुआ है वो गलत तरीके से पास हुआ है, सही तरीके से पास नहीं हुआ है, या कोई कह रहा है जी नहीं जी विपक्ष ने सहयोग नहीं किया, तो विपक्ष की क्या ड्यूटी है, विपक्ष किसे कहते हैं, विपक्ष को लेकर भी विवाद हुआ था एक बार, अभी विपक्ष के विवाद के कारण ही बहुत दिनों तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई अपने देश में, लोकपाल कानून बनने के कई साल बाद, तीन साल या साढ़े तीन साल बाद जाके लोकपाल की नियुक्ति अभी हुई है पिछले एक साल पहले, ठीक है। तो उस एंगल से आपको पढ़ना है, तो ऑब्जेक्टिव भी और डिस्क्रिप्टिव भी। यदि आप ये सोच लेंगे कि हमने प्रीएम्बल याद कर लिया है तो आपको हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए कि कितने तरह के जस्टिस की बात की गई है। आपने फंडामेंटल राइट पढ़ लिया कि फ्रीडम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 में है या स्वतंत्रता 19 में है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसके बाद आ जाएगी, प्रेस की स्वतंत्रता तो आप जो है फंस जाइएगा कि कहां है प्रेस की स्वतंत्रता। तो 19 आपने याद किया हुआ है, 1 ABCD कुछ नहीं किया है या 1 2 3 कुछ नहीं किया है, तो फिर आप गलत करेंगे। तो आप जो है धीरे पढ़िए लेकिन कंप्लीट स्टडी करिए और थोड़ा सा लिख लीजिए, तब जाकर के आपका कंप्लीट होगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन मैं बता रहा था पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी का मतलब अखबार से भी आपको लेना होगा, बुक से लेना होगा, एक बेयर एक्ट रखिए, संविधान की किताब आपको जो रखना है रखिए, उसमें डीडी बसु कुछ लोग पढ़ते हैं, और यदि किसी को संविधान की किताब थोड़ा ठीक से पढ़ना है तो किताब में होता है ये आवर पार्लियामेंट और आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो सुभाष कश्यप की है, उसको आप लोग जरूर रखिए, पढ़ने का जब मन करे तब पढ़िए। लेकिन पढ़ने के लिए आपको एक बेयर एक्ट जो जनरली वही अच्छा है सबसे, पीएम बख्शी का, और दूसरा आवर पार्लियामेंट आवर कॉन्स्टिट्यूशन सुभाष कश्यप की। उसके बाद आपको मन है तो डीडी बसु रखिए, और ये जो बुक है ना लक्ष्मीकांत जिसको हम सब लोग जो प्रेफर करते हैं वो भी रखिए, लेकिन वो कभी इनका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकती, ये दिमाग में ध्यान रखिए। आपको जो अच्छा लगे वो पढ़िए लेकिन रखिए सब, क्योंकि जरूरत सबकी पड़ेगी, रेफरेंस ही सही। एक टेक्स्ट बुक होता है जिसमें हम हर चीज पढ़ते हैं, एक रेफरेंस बुक होता है जब फंसते हैं तो उससे पता लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है बीपीएससी के प्री के लिए और मेंस के लिए, और बाकी हम लोग जब क्लास शुरू करेंगे तो एक एक चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।